Morning students, welcome to my online class. Today we are going to study from class 12th Vistas book part 4 Evan Price and O Level. तो पिछली बार हम यहाँ तक पढ़ लिए थे कि जो गवर्नर था कुछ जर्मन फॉन्ट्स को वह पढ़ने का प्रयास कर रहा था और इसी बीच में डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर वहां आ पहुंचते हैं और वो गवर्नर को सल्यूट करते हैं और उसके पश्चात वहां मैकलेरी को देखते हैं और बोलते हैं कि भगवान इसको क्या हो गया, किसने इसको मारा, यहाँ तक हम देखते हैं। और उसके पश्चात जो है गवर्नर उसको जवाब देना चाह रहा था, उसके उत्तर देना चाह रहा था, लेकिन बीच में ही जो मैकलेरी है उसको ऐसा करने नहीं देता है, वो अपने से बताने लगता है। तो वो हम आगे देखते हैं। बट मैकलेरी कट अक्रॉस व्हाटएवर एक्सप्लेनेशन गवर्नर माइट हैव गिवन। तो देखो मैकलेरी जो है उसके शब्दों को यही काट करके वो जो भी वो मतलब एक्सप्लेनेशन देता या तो जो भी बताता मैकलेरी के बारे में, उससे पहले ही उसने बोल दिया एल्सफील्ड वे ऑफिसर आई नो वेर इवांस। तो बोल रहा है कि एल्सफील्ड के रास्ते में ऑफिसर मैं जानता हूँ इवांस कहाँ पर है। बोल रहा है ही वॉज ब्रीदिंग हेवीली और वह बहुत जोर जोर से श्वास ले रहा था एंड लर्न फॉर एंड लीन्ड फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार और वह आगे थोड़ा सा झुक जाता है। लीन मतलब झुकना होता है फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार तो कार में वो अपना सहारा लेने के लिए कार के ऊपर वो थोड़ा सा झुक जाता है क्योंकि खून काफी ज्यादा बह चुका था और वह खड़ा हो नहीं पा रहा था। वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन टर्निस्ट क्रिम्सन और जहां पर कार में जब वो सपोर्ट लिया आधार लिया कार में तो वहां पर उसके हाथ के निशान बन गए। हिज हैंड was left in tarnished crimson. Tarnished crimson, crimson का अर्थ होता है जो कि बहुत गहरा लाल रंग का होता है, उसको crimson कहा जाता है। Tarnished, tarnished का अर्थ होता है stain या तो धब्बा हो गया, क्योंकि उसका हाथ जो है खून से लथपथ था और जब वो सहारा ले रहा है कार में तो उसका हाथ का धब्बा या चिन्ह निशान पड़ गया कहां पर, कार में। In bewilderment, Carter looked to the governor for guidance. What? So, ये जो कार्टर है वह इतना अधिक कंफ्यूज हो चुका था, बहुत अधिक कंफ्यूज हो चुका था, उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसको क्या करना है, क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा था और इसलिए वो गवर्नर की ओर देखता है ताकि वो उसका कुछ मार्गदर्शन करे, गाइडेंस मतलब उसको मार्गदर्शन करे। बट तो बोलता है कि मैं क्या करूं इस तरह से। टेक हिम विथ यू इफ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट। तो यहाँ पर गवर्नर बोल रहा है कि मैकलेरी को तुम्हारे साथ ले जाओ अगर तुम सही, अगर वो ठीक ठाक है तो। इफ यू थिंक अगर तुम सोचते हो कि वो ठीक ठाक है तो तुम्हारे साथ उसको ले जाओ। ही इज द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग। तो बोल रहा है यही केवल एक बंदा है जो कि सब कुछ जानता है, जो भी यहाँ पर घटना घट रहा है उसको यही अच्छी तरह से जानता है गवर्नर ने कहा। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैकलेरी इनसाइड एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कार लिफ्ट अवे इन अ स्पर्ट ऑफ ट्रेवल। कार्टर जो है वो अपने गाड़ी का पिछले दरवाजा खोल देता है, बाइक डोर मतलब पीछे का दरवाजा खोल देता है एंड हेल्प्ड मैकलेरी इनसाइड और उसको कार में बैठाने में मैकलेरी की मदद करता है एंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स और कुछ ही सेकंड में द कार लिफ्ट अवे, कार जो है उछल पड़ा मतलब बहुत तेजी से चलने लगा इन अ स्पर्ट ऑफ ग्रेवल मतलब बहुत तेज तेजी से कुछ ही मिनटों में कार निकल गया वहां से। आगे हम देखते हैं Elsfield way, McLeary had said. तो यहाँ पर गवर्नर बोल रहा है कि McLeary ने कहा था Elsfield के रास्ते पर. And there it was staring up at the governor from the last few lines of the German text. और वहाँ पर ये जो अक्सर लिखा हुआ था जर्मन में, क्योंकि वो लेटर को अभी फिर से पढ़ना शुरू कर दिया है गवर्नर और देख रहा है वही लेटर उसको दिखता है जर्मन में Elsfield way, जो कि McLeary ने कहा था। और ये शब्द उस जर्मन शब्द जो है उसको मान लो ऐसा लग रहा है कि वो उसको बार बार क्या कर रहा है, घूर रहा है, स्टेरिंग अप मतलब वो जो टेक्स्ट था उसको मानो घूरे जा रहा है गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइंस मतलब आखिरी लाइंस उसको घूरे जा रहा था ऑफ द जर्मन टेक्स्ट। फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर यस ऑफकोर्स। तो वहां वो पढ़ रहा है अभी जर्मन टेक्स्ट का अनुवाद कर रहा है तो बोल रहा है गवर्नर की फ्रॉम एल्सफील्ड वे Elsfield के रास्ते से उसको कहां जाना है, उस रास्ते से होते हुए हेडिंगटन चौराहा में जाना है। हेडिंगटन एक जगह का नाम है और राउंड अबाउट का होता है यहाँ पर चौराहा, तो हेडिंगटन के चौराहा में उस चौराहा में जाना है ऐसा लिखा हुआ था।
जहां पर यस ऑफ कोर्स, तो अभी उसको कुछ दिमाग में क्लिक करता है, गवर्नर के दिमाग में कुछ याद आता है और वो बोल रहा है द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एल्सफील्ड वे, तो बोल रहा है कि एग्जामिनेशन जो बोर्ड है वो भी एल्सफील्ड के रास्ते में ही है एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड, और वो इसीलिए अभी कल्पना कर रहा है कि बोर्ड ऑफिस ने ऑफिस से कोई ना कोई इसमें शुरुआत से ही क्या है शामिल है, हैव बीन इन्वॉल्व्ड मतलब शुरुआत से ही शामिल है इन द स्किट, इसको भगाने में, इसको भगाने की योजना में बोर्ड ऑफिस से ही कोई ना कोई बंदा शुरुआत से ही इसमें शामिल है, ऐसा किसको लग रहा है, गवर्नर को। द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, वो बोल रहा है कि क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, क्योंकि वहां जो आखिरी का जो ब्लैंक पेपर था वहां फोटोकॉपी करके कुछ कुछ चिपकाया गया था उसमें, द करेक्शन स्लिप, और वो करेक्शन स्लिप को भी याद कर रहा है, ये सभी क्या था उसी योजना, उसको भगाने की योजना के तहत ये सब था, ऐसा वो याद कर रहा है। द गवर्नर टर्न्ड टू जैक्सन एंड स्टेफन्स, और उसके पश्चात गवर्नर जो है वो जैक्सन और स्टेफन की तरफ मुड़ता है, ये जैक्सन एंड स्टेफन्स आपको पता होगा ये दोनों सेल के अधिकारी हैं, तो उनके तरफ मुड़ता है। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड डू आई, तो बोल रहा है हमको ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि जो भी हुआ है क्या हमको बताने की जरूरत है। His voice sounded, उसका आवाज जो है थोड़ा सा बहुत जोर आवाज में बोला ऑलमोस्ट, और वो शांत हो गया, काम मतलब थोड़ा सा बाद में उसका आवाज धीमा हो जाता है। इन इट्स स्कैथिंग कंटेंट, इन स्कैथिंग स्कैथिंग कंटेंट, स्कैथिंग का अर्थ होता है मतलब बहुत ही ज्यादती कर रहा है, मतलब बहुत कठोर शब्द में, और मतलब बहुत सारे उसके जो भी कमजोरियां हैं उसको निकाल रहा है और उसको मतलब आलोचना कर रहा है। कॉन्टेंट मतलब इन दोनों का क्या कर रहा है, अपमानित कर रहा है, वो भले ही धीमी आवाज में बोल रहा है मतलब इतना अधिक मतलब उनका जो कमजोरी है उसको निकाल रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है और उनको अपमानित कर रहा है, कॉन्टेंट मतलब उनको तिरस्कार कर रहा है। एंड विच वन ऑफ यू टू मोरॉन्स वॉज इट हु टुक इवांस फॉर अ नाइस लिटिल वॉक टू द मेन गेट्स एंड वेव हिम बाय बाय, तो बोल रहा है कि तुम दोनों में से कौन है जो इडियट था, कौन जो मूर्ख था, तुम दोनों में से कौन मूर्ख था, बोल रहा है was it who took Evans, जो कि Evans को बड़े बड़े आराम से nice little walk मतलब बड़े आराम से उसको ले करके जो प्रिजन का गेट है, जो प्रिजन का या तो जेल का जो फाटक है वहां तक लेकर के गया और उसको बाय बाय किया, तो तुम मूर्ख में से कौन वह व्यक्ति है जो कि जेल के फाटक तक मैक्लेरी को लेकर के गया, बोल रहा है इवांस मतलब इवान को लेकर के गया, अभी उनको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर इट वाज मी सर स्टैमर्ड, तो स्टेफन्स, तो स्टेफन अभी क्या कर रहा है, हकला रहा है, स्टैमर्ड मतलब थोड़ा सा रुक रुक करके बोलना, जैसे कि मैंने कहा ये ए, 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 मैं था सर बोल रहा हूँ। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर आई कुड हैव सोन, यहाँ स्टेफन हकला रहा है, बोल रहा है कि जैसे कि आपने कहा था सर और मैं कसम भी खा सकता हूँ सर, बोल रहा है वो। What? Just like I told you, you say? तो यहाँ पर फिर गुस्सा फूट जाता है गवर्नर का, बोल रहा है क्या मैंने तुमको ऐसा कहा, ऐसे तुम बोल रहे हो, What the hell? क्या बकवास कर रहे हो, तो यहाँ बोल रहा है क्या मैंने कहा था ऐसा और ऐसा तुम बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, बोल रहे हैं। When you rang sir and told me to, वो बोल रहा है कि जब आपने मुझको फोन किया सर और आपने मुझे बताया, When was that? The governor's voice was deep last now, तो बोल रहा है कि कब ये हुआ, और जो गवर्नर का आवाज था वो अभी किसी चाबुक की तरह उस पर पड़ रहे थे, whiplash का अर्थ होता है चाबुक, जब कभी किसी जानवर या घोड़े को हांकने के लिए एक स्टिक में जो रस्सी फंसाया जाता है उसको कहा जाता है चाबुक, जिससे जानवरों को आगे बढ़ाया जाता है, तो चाबुक की तरह उसकी आवाज इन दोनों अधिकारियों पर पड़ रहे थे। यू नो सर अबाउट 11 जस्ट बिफोर, इस तरह के कुछ हकला के बोल रहा है स्टेफन, और वो बोल रहा है कि आप जानते हैं सर ये लगभग 11:20 की बात है, 20 past 11 मतलब 11:20 की बात है, जस्ट बिफोर या तो उससे पहले की या वही लगभग की बात है, बोल रहा है। तो जो फोन कॉल आया था गवर्नर की ओर से वो फेक फोन कॉल था, कब आया था 11:22 पर, तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। यू ब्लीदरिंग एडियट मैन, इट वाजंट मी हु रैंग यू, तो यहाँ पर गवर्नर बोल रहा है ब्लीदरिंग, ब्लीदरिंग का अर्थ होता है मतलब
घृणित इडियट मूर्ख, इडियट का अर्थ तो मूर्ख ही होता है, तो बोल रहा है कि तुम पूरी तरह से क्या हो, मूर्ख आदमी हो। इट वाजंट मी, ये मैं नहीं था, हु रैंग यू, जो कि तुमको फोन किया ये मैं नहीं था, बोल रहा है। डोंट यू रियलाइज, क्या कि तुमको मतलब एहसास नहीं हुआ? अगर तुमको उस तरह का मतलब एहसास नहीं हुआ तो तुम एक बार पता कर लेते गवर्नर का बोलने का विचार में, तुम कंफर्म कर लेते मेरे से कि कॉल जो है मेरे तरफ से था। बट व्हाट वाज द यूज, लेकिन ये सब क्या था, बिना मतलब का था, कोई फायदा नहीं था इससे। गवर्नर खुद सोचता है ही हैड यूज टेलीफोन एट दैट टाइम, क्योंकि गवर्नर खुद ही उस समय टेलीफोन का प्रयोग कर रहा था, वो फोन लगा रहा था कहां। बट ओनली टू ट्राई, लेकिन वो केवल प्रयास किया, अनसक्सेसफुली वंस मोर, केवल एक बार, वो भी सफल नहीं हुआ, मतलब उसका फोन जुड़ नहीं पाया। और किसको फोन लगा रहा था, टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन बोर्ड, तो एग्जामिनेशन बोर्ड में वो बात करने के लिए फोन लगा रहा था ठीक उसी समय। तो अगर स्टेफन इसको कंफर्म करने के लिए फोन भी लगाता गवर्नर को, तो गवर्नर का फोन क्या बताता, बिजी बताता, और इसीलिए वो बोल रहा है कि कोई फायदा का नहीं होता अगर वो फोन भी लगाता तो, क्योंकि वो खुद ही उसमें एग्जामिनेशन बोर्ड को फोन लगा रहा था। He shook his head in growing despair. तो उसने अपना सिर हिलाया और बहुत अधिक हताशा में, growing despair मतलब बहुत अधिक हताशा में, despair का अर्थ होता है हताशा में, अपना सिर हिलाया। And turned on the senior prison officer. और उसके पश्चात जो गाली चल रहा है अभी, वो अपनी गाली किसको देने जा रहा है, सीनियर ऑफिसर को, मतलब जैक्सन को। As for you, Jackson, तो बोल रहा है, और तुम्हारे लिए जैक्सन, How long have you been pretending you have got a brain? Okay. तो बोल रहा है कि तुम कितने बार तक इस तरह का मतलब दिखावा करोगे, pretending का अर्थ होता है इस तरह, तुम कितने बार दिखावा करते रहोगे कि तुम कुछ दिमाग भी पाए हो। Well, I'll tell you something, Jackson. Your skills empty. तो बोल रहा है ठीक है, मैं तुमको कुछ बताने जा रहा हूँ जैक्सन, तुम्हारा जो दिमाग है ना पूरा खाली है, skills मतलब खोपड़ी है ना, तुम्हारा ये जो खोपड़ी है, एम्प्टी का अर्थ होता है खाली है, तुम्हारा ये जो खोपड़ी है या तो तुम्हारा ये दिमाग है वो क्या है, पूरा का पूरा खाली है, एब्सोल्युटली एम्प्टी मतलब पूरी तरह से खाली है। इट वाज जैक्सन हु हैड स्पेंट 2 hours इन इवान्स सेल द प्रीवियस इवनिंग। तो ये वो जैक्सन ही था जो कि प्रीवियस इवनिंग मतलब अगले शाम को, उससे पहले वाले शाम को जो है 2 घंटे व्यतीत किया था किसके कोठरी में, इवान्स के कोठरी में। एंड इट वाज जैक्सन, और ये जैक्सन ही था who had confidently reported, जो कि पूरे आत्मविश्वास के साथ रिपोर्ट किया था, that there was nothing hidden away, कि वहां पर कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, nothing hidden, hidden का अर्थ होता है छिपा होना, तो वहां पर कुछ भी छिपा हुआ नहीं था, वहां पर इसके इवान्स के कमरे में nothing at all, कुछ भी नहीं था। तो मतलब ये पूरा तलाशी कर लिया था और पूरे आत्मविश्वास के साथ गवर्नर को रिपोर्ट किया था, और इसीलिए गवर्नर उसको भी गाली दे रहा है। एंड ये, और इसके बावजूद Evans had somehow managed to conceal, और इसके बावजूद जो है Evans किसी ना किसी तरह सफल हो गया था, managed, मतलब किसी ना किसी तरह सफल हो गया था to conceal, conceal का अर्थ है छुपाने में, not only false beard, न केवल जो नकली दाढ़ी थे, a pair of spectacles, चश्मा, a dog collar, and all the rest of his clerical paraphernalia. तो ना केवल वो नकली दाढ़ी छुपाने में सफल हो गया था, चश्मा छुपाने के लिए सफल हो गया था, लेकिन डॉग कॉलर होता है जो पादरी लोग या जो फादर लोग होते हैं विदेश में, वो गला में जो है, यहाँ पर गला में उन लोग क्या पहनते हैं, एक व्हाइट कलर का एक कॉलर बोलते हैं, एक व्हाइट, यहाँ सफेद रंग का जो कॉलर पहनते हैं उसको कहा जाता है डॉग कॉलर, या तो क्लेरिकल कॉलर भी कहा जाता है। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज क्लेरिकल पैराफेर्नेलिया, और उसी के साथ साथ जो पादरी का या तो फादर का और भी जो चीजें होता है, उसका पर्सनल थिंग्स होता है, उन सभी को भी वो छुपा लिया था। बट ऑल्सो, लेकिन न केवल ये, लेकिन बट ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन, इतना ही नहीं, उसने कुछ हथियार भी छुपा लिए थे, विथ विच ही हैड गिवन मैकलेरी सच अ टेरिबल ब्लो, और जिस औजार से, जिस हथियार से उसने मैकलेरी पर क्या किया था, प्रहार किया था, टेरिबल ब्लो मतलब भयंकर प्रहार किया था, अक्रॉस द हेड, उसके सिर पर। इस तरह से गवर्नर उनको गाली दे रहा है अभी। फिर आगे हम देखते हैं, अ प्रिजन वैन बैक्ड अलोंगसाइड, एक जो सेल की गाड़ी है उनके बगल में आकर के रुकी, बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव, लेकिन जो गवर्नर था वहां से थोड़ा भी वो हिला डुला नहीं, थोड़ा भी वो जरा सा भी मतलब अपने स्थान से नहीं, किधर भी नहीं हिला डुला। He looked down again, वो फिर से वह नीचे देखता है,
द लास्ट लाइन ऑफ जर्मन, वो जर्मन की अंतिम पंक्ति को देखता है, क्योंकि गवर्नर को थोड़ा बहुत जर्मन आती थी और इसलिए वो खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जर्मन की अंतिम पंक्ति को आगे देखता है, तो द हेडिंग टर्न्स राउंड अबाउट, वो वहां पढ़ रहा है, वो ट्रांसलेट कर रहा है कि हेडिंगटन के चौराहे में, वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर, और वहां से तुम सीधे चले जाओ, एंड मेक योर वे टू, और तुम अपना रास्ता ले लो, ये पढ़ रहा है, टू न्यूग्राबेन, न्यूग्राबेन। तो इसको पढ़ करके थोड़ा सा गवर्नर का दिमाग ठनका, और बोल रहा है न्यूग्राबेन, वेयर ऑन अर्थ, तो बोल रहा है इस धरती पर, या तो ये कहाँ पर है, पहली बार सुन रहा है वो, तो न्यूग्राबेन तो कहीं पर नहीं है, बोल रहा है न्यू समथिंग, तो हाँ न्यू तो लिखा हुआ है न्यू, और उधर थोड़ा सा नहीं पढ़ पा रहा है, वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, नया और कुछ समथिंग मतलब और कुछ कुछ है, बोल रहा है न्यू ग्रेव, तो बोल रहा है हो सकता है न्यू ग्रेव, नेवर हर्ड ऑफ इट, बोल रहा है तो न्यू ग्रेव तो मैंने कभी सुना नहीं है। देर वॉज अ वेयर ग्रेव, वार ग्रेव, तो वहां पर एक वार ग्रेव है, समवेयर नियर रीडिंग, जो कि वहां पर जो कि पुस्तकालय है, रीडिंग है, वहां पर एक उस वार ग्रेव नाम का जगह है, बट नो इट वॉज प्रोबेबली अकॉर्ड वर्ड, तो ये वार ग्रेव तो नहीं हो सकता है, ये शायद प्रोबेबली शायद अकॉर्ड वर्ड, एक कोड वर्ड हो सकता है, और एंड देन इट हिट हिम, और तो उसके दिमाग में अचानक से आता है न्यूबरी, गॉड यस, तो बोलता है हाँ हाँ वही भगवान, वही वही जगह न्यूबरी, न्यूबरी वॉज अ प्रीटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, तो न्यूबरी जो है वो बहुत बड़ा जगह था उस तरह का, जहां पर जाकर के छिपा जा सकता था, बट लेकिन रैप्ड, रैप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर, और इसके पश्चात वो बहुत तेजी से, रैप मतलब बहुत तेजी से वो और आदेश देता है, ऑर्डर्स मतलब आदेश देता है अपने ड्राइवर को, सेंट एल्ड्रेट्स पुलिस स्टेशन एंड स्टेप ऑन इट, तो बोल रहा है कि तुम सेंट एल्ड्रेट्स पुलिस स्टेशन की ओर जाओ और एंड स्टेप ऑन इट, जल्दी करो, स्टेप ऑन इट मतलब जल्दी वहां जाओ कहां पर, सेंट एल्ड्रेट्स पुलिस स्टेशन, टेक जैक्सन एंड स्टीफन्स हियर, तो यहां से तुम जैक्सन और स्टेफन को भी ले जाओ, and when you get there ask for bell, और जब तुम वहां पर पहुंचोगे सेंट एल्ड्रेट्स पुलिस स्टेशन में, तो तुम वहां बेल से मिल लेना, चीफ इंस्पेक्टर बेल, तो चीफ इंस्पेक्टर बेल है, गॉट दैट, तुमको समझ में आया, ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कौन, गवर्नर। He leaped the stairs to his office three at a time, तो अभी गवर्नर जो है अपने कार्यालय में जा रहा है, और क्योंकि उसको सीढ़ी चढ़ के जाना है, स्टेयर मतलब वहां पर सीढ़ी है, सीढ़ी मतलब जो कि घर में बना होता है उस तरह का सीढ़ी, स्टेयर्स टू हिज ऑफिस, अपने कार्यालय की तरफ, थ्री एट अ टाइम, तो उस जो सीढ़ी को कितने, तीन सीढ़ी को एक ही बार में वो चढ़ जा रहा है, मतलब एक ही बार में छलांग मार रहा है तीन सीढ़ी को, मतलब इतना जल्दी में है गवर्नर। गॉट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली, और वो फोन में तुरंत बेल को क्या करता है, फोन करता है, फोन के पास पहुंच करके बेल को तुरंत फोन करता है, and put the facts before him, और जो भी सच्चाई थी, जो भी मैटर था, जो भी जानकारी देना था, उन सभी को उसको बेल को बता देता है। We'll get him, sir, said Bell. तो सेड बोल रहा है कि हम लोग उसको पकड़ लेंगे सर, विल गेट हिम, हम लोग उसको पकड़ लेंगे, with a bit of luck, मतलब अगर थोड़ा सा किस्मत हमारा साथ दे तो हम उसको पकड़ लेंगे, बोल रहा है बेल। The governor sat back and lit a cigarette. गवर्नर जो है फिर से वापस बैठ जाता है अपने चैम्बर में, अपने कुर्सी में, और वो सिगरेट जला लेता है। ये गॉड्स, व्हाट अ ब्यूटीफुली लेट प्लान इट हैड ऑल बीन, तो बोल रहा है हे भगवान, कितना बहुत अच्छी तरीके, सुंदर तरीके से ये योजना बनाया गया था, बोल रहा है। व्हाट अ क्लेवर फेलो इवांस वॉज, तो बोल रहा है मतलब क्या ही, मतलब चतुर सलाक आदमी था इवांस, बोल रहा है। Careless leaving that question paper, लेकिन वो एक लापरवाह भी था, careless मतलब लापरवाह भी किया कि वो question paper को पीछे छोड़ गया, behind, but then, लेकिन तब, they all made their mistakes somewhere along the line, तो बोल रहा है, लेकिन इन सभी में से न केवल इवांस, लेकिन सब कोई जो कि जेल के अधिकारी लोग थे, उन लोग भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती जरूर किए हैं, बोल रहा है, mistakes somewhere along the line, तो इस लाइन में सब कोई कुछ न कुछ गलती किए हैं। वो यहाँ बताना चाह रहा है जैक्सन, जो कि दो घंटे तक उससे पहले की शाम को इवांस के कमरे में था और उसने तलाशी ली थी, लेकिन तलाशी में कुछ नहीं खोज पाया था, वो सब चीजों को बोल रहा है। वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, तो सभी कोई कुछ ना कोई गलती किए हैं, जैसे कि इवांस भी लापरवाही किया है और क्वेश्चन पेपर को पीछे छोड़ दिया है। एंड दैट्स व्हाई वेरी वेरी शॉर्टली, और इसीलिए बहुत बहुत जल्दी,
मिस्टर क्लेवर क्लेवर इवांस बोल रहा है कि ये जो बहुत ही सलाख सलाख जो इवांस है वुड बी बैक इनसाइड, वो बहुत जल्दी अंदर आने वाला है, डूइंग हिज वंस मोर, और एक बार अंदर आ जाएगा, ये गवर्नर बोल रहा है। द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड इन अ स्ट्राइडेंट बर्स्ट, और वहां जो फोन था उसके डेस्क में वो अचानक से इरप्टेड मतलब अचानक से वो मतलब तेज आवाज के साथ बज पड़ा, स्ट्राइडेंट मतलब जोर से, ब्रस्ट मतलब बज पड़ा, जो फोन था वो बज पड़ा। एंड सुप्रिंटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म्ड हिम, और जो सुप्रिंटेंडेंट कार्टर था उसको सूचना देते हैं दैट मैक्लेरी हैड स्पॉटेड इवांस, कि मैक्लेरी ने इवांस को देखा है, स्पॉटेड मतलब देखा है, ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्सफील्ड वे, जो कि गाड़ी में किधर की ओर जा रहा था, एल्सफील्ड वे की ओर जा रहा था, एल्सफील्ड के रास्ते की ओर जा रहा था, उसकी गाड़ी को उन्होंने देखा है, कौन, मैक्लेरी। दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार, ऑलराइट, तो बोल रहा है कि वो जो है उस कार का नंबर भी हम लोग पा लिए हैं, ठीक है। एंड हैड गिवन सेज इमीडिएटली, और हमने तुरंत उसका पीछा किया, सेज सेज का अर्थ होता है पीछा करना, ये जो सेज है इसका अर्थ होता है पीछा करना, इमीडिएटली मतलब बहुत अचानक से हम लोग और बहुत जल्दी से हम लोग उसका पीछा करना शुरू किए। बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट, राउंड अबाउट, लेकिन हम लोग उसको खो दिए कहां, हेडिंगटन के चौराहे में। ही मस्ट हैव डबल बाइक इनटू द सिटी, तो बोल रहा है कार्टर कि वो जिस रास्ते से आया था तो उसी रास्ते से वापस शहर की ओर चला गया होगा, क्योंकि हम लोग हेडिंगटन के चौराहे में उसको खो दिए, हम लोग उसको नहीं खोज पाए, बोल रहे हैं। नो सेड द गवर्नर क्वाइटली, तो गवर्नर जो बोल रहा है वो बहुत धीरे से बोलता है, चुपचाप से बोलता है, नहीं, नो ही इज ऑन हिज वे टू न्यूबरी, तो बोल रहा है कि वो न्यूबरी की ओर जा रहा है। He explained his reasons for believing so, और वो अपना कारण भी बताता है कि ऐसा क्यों वो विश्वास कर रहा है या ऐसा क्यों बोल रहा है, उसका कारण भी बताता है। And left it at that, और इसके बाद वो उसको छोड़ देता है, इसको छोड़ देता है मतलब इस मैटर को। It was a police job now, तो ये तो अभी पुलिस का कर्तव्य था, उनका काम था, not his, गवर्नर का काम अभी नहीं था। He was just another good for a giggle, तो वह अभी एक तरह से क्या बोलेंगे, एक दूसरा हंसने हंसी का पात्र बन गया था, गुड फॉर अ गिगल मतलब हंसी का पात्र बन गया था, जिस व्यक्ति पर लोग हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि यहाँ देखो गवर्नर मतलब कितना अपना मतलब बोलता था कि मेरी निगरानी में परीक्षा हो रहा है, मैं किसी भी तरह से रिस्क मोलना नहीं ले चाहता हूँ, और सब तरफ कितना अच्छे से मतलब परीक्षा होगी, ऐसा बोल रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो, लेकिन जो कि वो भग गया, इतना कड़ाई निगरानी के बावजूद भी इवेंट्स जो है वो सफलता हासिल कर लिया, वहां से भागने में कामयाब हो गया, और इसलिए उस पर केवल क्या किया जा सकता था, मतलब हंसा जा सकता था, राज्य जो गवर्नर था उस पर उसका हंसी मतलब उड़ाया जा सकता था। गल्लीबल, गल्लीबल मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों की बातों पर आसानी से विश्वास कर ले, या तो जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके उस व्यक्ति को गल्लीबल कहते हैं, तो गवर्नर जो है इसको आसानी से बेवकूफ बनाया गया था, दैट वॉज ऑल, और उतना ही था गवर्नर। By the way, Carter, I hope you managed to get McLary to the hospital. All right? तो अभी वो पूछ रहा है फोन लगा करके किसको, कार्टर को, तो बोल रहा है कि मैं सोचता हूँ, I hope मतलब मेरे को आशा है कि तुम मतलब जो McLary था उसको हॉस्पिटल तक ठीक ठाक पहुंचा दिए ना, बोल रहा है। Yes, he is in the Radcliffe now. Carter बोल रहा है, हाँ वो अभी कहाँ पर है, Radcliffe में है। Radcliffe क्या है, Radcliffe एक हॉस्पिटल है इंग्लैंड में, तो वहां पर इसको एडमिट कर दिया गया है, ये बोल रहा है। फिर कहां पर है ये जो मैक्लेरी, रेडक्लिफ में है, बोल रहा है। रियली ग्रोगी, तो बोल रहा है वो बहुत ही कमजोर था, लटखड़ा रहा था, क्योंकि इतना खून बह गया था उससे और वो चल नहीं पा रहा था। ही वाज मतलब वो बहुत ही कमजोर हो गया था। व्हेन वी गॉट टू द एग्जामिनेशन ऑफिसेस, और जब हम लोग एग्जामिनेशन कार्यालय में पहुंचे तो वो बहुत कमजोर हो गया था और चल नहीं पा रहा था, बोल रहा है। एंड दे रैंग For the ambulance from there, और जो examination के जो board के जो अधिकारी हैं, उन्होंने वहां से फोन किया ताकि ambulance को वहां से भेजा जा सके, Radcliffe से ambulance को कहां भेजा जा सके, examination board में। The governor rang the Radcliffe a few minutes later and asked for the accident department. जो governor था, वो कुछ मिनट के बाद Radcliffe hospital में वो फोन करता है और जो accident department था वहां वो पूछताछ करता है। तो यहाँ कोई रिसेप्शनिस्ट है जो कि उसके फोन को उठाया है, गवर्नर का फोन को, मैक्लेरी उसे, तो आप मैक्लेरी बोल रहे हैं,
मतलब मैकलरी, उसका नाम क्या मैकलरी बोल रहे हैं, एक रिसेप्शनिस्ट पूछ रहा है। यस ही इज अ पार्सन, तो गवर्नर बोल रहा है हाँ हाँ वो एक फादर है। आई डोंट थिंक देर इज एनी वन, तो यहाँ रिसेप्शनिस्ट बोल रहा है कि मैं नहीं सोचता हूँ कि वहां कोई इस नाम से कोई लड़का है या कोई आया है। यस देर इज, तो बोल रहा है नहीं नहीं वो वहीं पर है, बोल रहा है वो वहीं पर है। यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंस पिक्ड हिम अप फ्रॉम एल्सफील्ड वे अबाउट, तो बोल रहा है तुम उसको वहां पर पाओगे, तुम्हारे जो हॉस्पिटल है वहां पर तुम उसको ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम्हारे एक एम्बुलेंस ने उसको उठा लिया है। पिक्ड हिम अप मतलब उठा लिया है कहाँ से, एल्सफील्ड वे अबाउट, तो एल्सफील्ड के रास्ते से वो एक तुम्हारे हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस गया था, वहां से उसको उठा लिया है, बोल रहा है। ओ दैट यस, तो रिसेप्शनिस्ट बोल रहा है कि हाँ हाँ वो हाँ ठीक 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 बोल रहा है। वी सेंट एन एम्बुलेंस, ऑल राइट, तो बोल रहा है कि हम लोग ने एम्बुलेंस को वहां भेजा ठीक है ना। बट वेन वी गॉट देयर, लेकिन जब हम लोग वहां गए, अकेलो हैड गोन, तो ये आदमी वहां से चला गया था। नो वन सीम्ड टू नो वेयर ही वॉज, और कोई नहीं जानता है कि ये व्यक्ति कहाँ चला गया। जस्ट वैनिश्ड, वो लुप्त हो गया, वैनिश्ड मतलब वहां से लुप्त हो गया था। नॉट अ साइन, वहां उसका किसी भी तरह का अता पता नहीं था, वो दिखाई नहीं दिया वहां। बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग, जो है गवर्नर अभी इसकी बातों को अभी तक तो उतना वो जो भी वो बता रहा था उसको वह नहीं सुन रहा था। एंड द ट्रुथ सीम्ड टू हिट हिम, और उसको एक जो सच्चाई था वो उसका उसका प्रहार कर रहा था, मतलब उसको आघात कर रहा था। विथ एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट, उसको ऐसा लग रहा था कि मानो हकीकत में शारीरिक रूप से उसको क्या पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है, उसको पीट रहा है। समवेयर ऑन द बैक ऑफ हिज नेक, उसके पीछे में गर्दन के पास कोई इसको हकीकत में उसको कोई पीट रहा है, ऐसा उसको लग रहा था। तो ये बातें सुनकर के उसको बहुत बड़ा क्या लगा, सदमा लगा, और उसको हकीकत में लगने लगा कि उसके गले के नीचे पीछे कोई उसको क्या कर रहा है, पीट रहा है हकीकत में। तो क्यों ऐसा लग रहा था, हम आगे की इस लाइन में हम उसको जान पाएंगे। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर, तो 15 मिनट के बाद में, क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर मतलब 1 घंटे 15 मिनट के बाद में, They found the Reverend S. McLary securely bound and broke. उन्होंने उस श्रद्धेय रेवरेंड मतलब जो फादर है उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है श्रद्धेय। एस मैकलरी को उन्होंने पाया सिक्योरली बाउंड, उसको बहुत सुरक्षित तरीके से बांधा गया था। एंड गोग, और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था, गोग मतलब कपड़ा ठूस देना। इन हिज स्टडी, अपने अध्ययन कक्ष में, इन ब्रॉड स्ट्रीट, क्योंकि मैकलरी कहाँ से था, ब्रॉड स्ट्रीट में उसका कमरा था, वहां पर ये रहता था, तो उसकी स्टडी कक्ष अध्ययन कक्ष में उसको बांध दिया गया था और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था। He had been there, he said, वह बताया कि वो वहां पर था कब से, since 8:15 AM, 18:15 AM सुबह से ही वो वहां पर था, क्योंकि परीक्षा शुरू होने वाला कब था, 9:15 पर, तो 1 घंटा पहले ये सब काम हुआ है। When two men had called, जब दो व्यक्तियों ने उसको फोन किया, एंड और तब आगे हम देखते हैं इंक्वायरीज, तो तभी से वो यहाँ पर है, मतलब दो व्यक्ति फोन कॉल किए उसको और 8:15 के बाद उसको वहां से मतलब उसको बांध दिए, तो तभी से वो वहां पर अपने ही कक्ष में बंदी बना लिया गया है। तो इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग, न्यूबरी में सब तरह की खोज पड़ताल चल रहा है, पूछताछ चल रहा है, लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। प्रोड्यूस नथिंग मतलब उससे कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी मतलब हासिल नहीं हुआ, उसका अता पता नहीं चला इवांस का, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। एंड बाय टी टाइम एवरीवन इन द प्रिजन न्यू, और जब चाय पीने का समय हो गया तब तक सभी जो जितने भी जेल में लोग थे सबको पता हो गया था, न्यू मतलब सब जान गए थे व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ है। इट हैड नॉट बीन इवांस इम्पर्सोनेटिंग मैकलेरी, ये इवान नहीं था जो कि इम्पर्सोनेटिंग, इम्पर्सोनेटिंग का अर्थ रूप धारण करना, जो रूप धारण किए हुए था किसका, मैकलेरी का, who had walked out, तो इवान नहीं था जो कि मैकलेरी का रूप धारण करके कहाँ निकल गया था, जेल के बाहर, जिसको कि स्टेफन फाटक को छोड़ने गया था, तो वो इवान्स नहीं था, है ना, वो इवान्स नहीं था। इट हैड बीन इवान्स, तो ये इवान्स था इम्पर्सोनेटिंग मैकलेरी, जो कि मैकलेरी का रूप धारण किए हुए था और जो कहाँ था, जेल के अंदर ही था। who had stayed in, जो कि जेल के अंदर ही था, जो बंदा जेल के बाहर गया था, जिसको फाटक के बाहर छोड़ दिया गया, और वो भी मैकलेरी का मतलब ड्रेस पहने हुए था, तो वो कोई कोई दूसरा इंसान था, है ना, जो नकली मैकलेरी बन के आया था वो उधर गया, लेकिन जो हकीकत में जो इवेंट्स था वो अंदर ही था, वो भी क्या का रूप लिए हुए था, मैकलेरी का रूप लिए हुए था, मैकलेरी का रूप लिए हुआ था। तो अभी समझ में आ गया होगा, दो इंसान थे,
एक तो नकली मैकलरी बन करके इन्विजिलेटर मतलब परीक्षक परीक्षक बन के आया था, पर्यवेक्षक का काम देखने, उसका परीक्षा लेने के लिए आया था। तो वो तो हकीकत में चला गया, लेकिन जो अंदर में था, जो मैकलेरी बनने का नाटक कर रहा था, वास्तव में इवांसी था जो बाद में भाग गया। द फिश, तो यहाँ इवांस के भागने के बाद इवांस का यहाँ पर कहानी बताया जा रहा है। द फिश एंड शिप्स वेर डेलिशियस, तो बोल रहा है कि जो मछली था और जो शिप्स था कितना स्वादिष्ट था। डेलिशियस मतलब कितना स्वादिष्ट था। एंड आफ्टर अ जेंटल स्ट्रोल, और थोड़ा सा मतलब सैर करने के बाद, स्ट्रोल का अर्थ होता है सैर करने के बाद, अराउंड द सेंटर ऑफ शिपिंग नॉर्टन। तो शिपिंग नॉर्टन जो है बहुत बड़ा जगह है, तो वहां पर थोड़ा सा उधर इधर सैर करने के बाद इवांस डिसाइडेड, इवांस ने निर्णय लिया टू रिटर्न टू द होटल, कि वह होटल में लौट जाएगा। एंड हैव एन अर्ली नाइट, और वह जल्दी सो जाएगा। अर्ली नाइट मतलब जल्दी से सो जाएगा। अ स्मार्ट न्यू हैट कंसील्ड द रेकेस, और वो एक नया स्मार्ट न्यू हैट मतलब एक नया हैट खरीद लिया था जो कि गोल आकृति का होता है, टोपी में सिर में इस तरह का लगाते हैं, चार गोलाकार होता है, उसको वो खरीद लिया था। और वो कंसील्ड, वो छिपा रहा था क्या को, द रेकेस, रेकेस का अर्थ होता है जो अवशेष, अगर कहीं बिल्डिंग ढह जाता है तो उसका जो अवशेष बचा होता है उसको रेकेस कहते हैं, या तो साधारण शब्दों में मलवा कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या के लिए प्रयोग किया गया है रेकेस शब्द, तो वो जो बाल काट खुद से काटा था, वो भी क्या से, ब्लेड से काटा था, और अच्छी तरह से नहीं काटा था, वो जो बचा कुचा बाल उसके सिर में था उसको एक क्या टोपी, उसको क्या कर रहा था, छिपा रहा था, कंसील्ड मतलब छिपाया हुआ था। ऑफिस क्लोजली क्रॉप्ड हेयर मतलब बहुत नजदीकी से जिसको क्रॉप्ड काटा गया था उसके बाल को। एंड ही केप्ट इट ऑन एज ही वॉक्ड अप टू द रिसेप्शन रिसेप्शन डेस्क, और वे वह इस टोपी को अपने सिर में रख लिया जैसे ही वो मतलब चलते हुए कहाँ गया, रिसेप्शन डेस्क के पास गया। ऑफ द गोल्डन लायन, गोल्डन लायन जो होटल है वहां के रिसेप्शन के पास, रिसेप्शन डेस्क के पास गया, तो एक टोपी पहन करके गया। तो आपको याद आ रहा होगा ये गोल्डन लेन, जो कि करेक्शन स्लिप में ऐसे कुछ करेक्ट करने के लिए दिया गया था, है ना। तो वो क्या था, गोल्डन था, गोल्ड मतलब गोल, गोल्डेने, तो उसको गोल्डेने गोल्डेने कहा गया था। तो वहां पर ये कुछ करेक्शन था, तो ये उसके लिए बताने के लिए था, हिंट देने के लिए था कि गोल्डन लाइन में तो उसको क्या करना है, वहां से भागने के बाद गोल्डन लाइन में जाना है। तो गोल्डन लेने, ये गोल्डन लाइन, तो ये क्या था, तो उसके लिए एक कोड वर्ड था। इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रिगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज, उसके बाल के बारे में बात की जा रही है। तो उसका बाल जो पहले कितना मतलब अच्छा था, तो उतना उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, रिगेन मतलब जैसे पहले था वैसा मतलब होने के लिए इसको समय लगेगा, फॉर्मर ग्लोरीज। इट विल टेक अ गुड वाइल, गुड वाइल मतलब कुछ समय लगेंगे उसका बाल को जैसे पहले था वैसे ही बनने के लिए, फॉर्मर ग्लोरीज मतलब जैसे पहले था, कितना अच्छा था, उस अच्छी अवस्था में आने के लिए इसको थोड़ा सा समय लगेगा। बट व्हाट द हेल डिड दैट मैटर, लेकिन उससे उसको कुछ, उसका कुछ भी महत्व नहीं था। बट व्हाट द हेल डिड दैट मैटर मतलब उसका यहाँ पर कुछ भी महत्व नहीं था, उस बात का कुछ भी महत्व नहीं था, उसका बाल मतलब अच्छा हो या ना हो, लेकिन He was out again, wasn't he? लेकिन सबसे महत्व की बात तो ये था, या सबसे इम्पोर्टेंट की बात तो ये था कि वो दोबारा से बाहर आ गया था, है कि नहीं? Wasn't he? मतलब वो दोबारा से बाहर आ गया था जेल के बाहर। A bit of bad luck, लेकिन थोड़ा सा इस परिवेश में भी, इस यहाँ तक आने में भी उसको थोड़ा थोड़ा सा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। Bad luck मतलब थोड़ा सा दुर्भाग्य का सामना करना जरूर उसको पड़ा। That when Jackson had pinched his scissors, क्योंकि जब जैक्सन जो है उसका जो कैंची था उसको ले लिया था, पिंस्ट मतलब उसका जो कैंची था उसको ले लिया था, क्योंकि नाखून सब साफ करने के पास उसके पास जो कैंची था, तो जैक्सन उसको ले लिया था। फॉर इट हैड मेंट अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन, और कैंची के बिना मतलब ये जो काम था वो बहुत ही क्या था, ट्रिकी बहुत जटिल काम था। ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ, शल्य चिकित्सा से नहीं है, ऑपरेशन करने से नहीं है, लेकिन काम से है, उनका जो काम था मतलब बहुत जटिल हो गया था। With his only razor blade, क्योंकि वो केवल razor blade के सहारे क्या कर रहा था, the previous night, उससे पहले की रात, but he had his good luck, क्योंकि उस previous रात को, उससे पहले वाली रात को, उस razor blade की सहायता से केवल वो क्या काटा था, अपने बाल को छोटा छोटा काटा था। तो बाल छोटा छोटा करने का क्या मतलब है यहाँ, क्योंकि वो जो क्या है, मैकलेरी का मतलब रूप धारण करना चाह रहा था, मैकलेरी का रूप धारण करना चाह रहा था, और आपने सुना है कि मैकलेरी का जो बाल था वो बहुत छोटा छोटा कटा हुआ था,
तो इसीलिए ये भी पूरा रात भर अपना बाल को काटा था, यानी छोटा छोटा काटा था, और उसके पास कैंची रहने से वो बहुत ही आसानी से काट लेता, लेकिन कैंची नहीं था और ब्लेड से काटना मतलब अच्छे से नहीं काटा है, और इसीलिए क्या आ गया, अवशेष था, मतलब उसका बाल का जो अच्छे से नहीं कटा था उसका अवशेष को क्या से ढक लिया था, नया टोपी खरीद करके। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि मतलब ब्लेड से काटना कितना जटिल था और वही क्या था उसके लिए दुर्भाग्य था। बट ही हैड हिज गुड लक टू, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास कुछ सौभाग्य भी था, गुड लक टू मतलब उसका सौभाग्य भी था। जस्ट थिंक, सोचो यार, इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बॉल हैट ऑफ, अगर जैक्सन जो है वो एक जो ऊन का गोल टोपी, गुच्छेदार टोपी जो पहन रखा था ठंड के समय में जो हम लोग पहनते हैं, उस टोपी को पहन रखा था, अगर उसको जैक्सन अगर उतरवा देता तो मतलब कितना, मतलब वो बच नहीं पाता, पकड़ा ही जाता। फ्यू, फ्यू का अर्थ होता है जब हम किसी चीज को घृणा करते हैं, जैसे छी, लड़कियां जो अधिकतर बोलते हैं छी छी बोलते हैं, तो ऐसे ही शब्द का प्रयोग किया गया, फ्यू। दैट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल, तो बोल रहा है तो वो तो बहुत ही नजदीकी मामला था, क्लोज कॉल मतलब नजदीकी मामला था, अगर टोपी उतरवा देता तो पकड़ा ही जाता, मतलब वहां से नहीं भाग पाता, जेल से बाहर नहीं निकल पाता कौन, इवांस। स्टिल, फिर भी ओल्ड जैक्सन वाजंट सच अ बैड फेलो, तो बोल रहा है कि वो जो ओल्ड जैक्सन है वो उतना खराब बंदा तो नहीं था यार, बोल रहा है उतना खंदा, उतना बैड, उतना खराब व्यक्ति तो नहीं था। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स, तो बोल रहा है सबसे खराब चीज, फनी जो कि मजेदार भी है, रियली हकीकत में, रियली हकीकत में, हैड बीन द बियर्ड, तो सबसे खराब चीज और जो थोड़ा मजेदार भी है, और वो क्या था, दाढ़ी था, बियर्ड मतलब दाढ़ी था, क्या नकली दाढ़ी। He had always been allergic, क्योंकि उसको हमेशा क्या था, एलर्जी रखता था, एलर्जिक मतलब जिसको आपका शरीर जो है सूट नहीं करता है, या तो आपका शरीर सहन नहीं करता है तो उस किसी चीज को, तो उसके उसको कहा जाता है एलर्जिक, इसका शरीर भी एलर्जिक था क्या के प्रति, तो स्टिकिंग प्लास्टर, तो उस दाढ़ी को चिपकाने में मतलब उसका शरीर जो है वो थोड़ा सा एलर्जिक था। एंड इवन नाउ हिज स्किन वॉज इरिटेटिंगली सोर एंड रेड, और यहाँ तक कि अभी तक भी उसका जो ठोड़ी था, तो मुंह के नीचे के भाग को जहाँ दाढ़ी उगता है उसको क्या कहा जाता है, इस भाग को, उसको कहा जाता है चिन अंग्रेजी में और हिंदी में ठोड़ी, वॉज इरिटेटिंगली मतलब अभी भी उसको परेशान कर रहा था सोर, क्योंकि वो क्या हो गया था, थोड़ा दर्द कर रहा था, सोर मतलब दर्द कर रहा था, एंड वो रेड और वो लाल हो गया था क्योंकि वहां दाढ़ी चिपका हुआ था, इसलिए। द रिसेप्शनिस्ट वाजंट द सेम गर्ल हु हैड बुक्ड हिम इन, तो जब अभी वो रिसेप्शन डेस्क के पास होटल में आ जाता है, तो जो रिसेप्शनिस्ट वहां पर बैठी हुई थी वो वही लड़की नहीं थी जो कि वो शुरुआत में आया था, उस समय जो लड़की बैठी हुई थी, अभी दूसरा लड़की वहां पर बैठी हुई है, जिस समय वो बुक किया था, कमरा बुक किया था उस समय दूसरा लड़की थी, लेकिन जब अभी वो घूम फिर करके आया तो वहां पर कोई दूसरा लड़की बैठी हुई है। बट द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर, लेकिन ये जो बदलाव था वो निश्चित रूप से मतलब अच्छा ही था, फॉर द बेटर मतलब अच्छा ही था। As he collected his key, और जैसे ही वो अपना चाबी को वो मतलब लेता है उस रिसेप्शनिस्ट से, he gave her his best smile, उसने उसको अपना सबसे मनमोहक मुस्कान दिया, best smile मतलब मनमोहक स्माइल दिया, कौन, जैक्सन, जैक्सन मतलब सॉरी इवांस। Told her he wouldn't be bothering breakfast, और उसको उन्होंने बताया कि वो नाश्ता के लिए उसको परेशान नहीं करेगा, bothering, bothering का अर्थ है परेशान करना, तो नाश्ता के लिए उसको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि लॉज इत्यादि में जो है मतलब जो रिसेप्शनिस्ट है उन लोग ब्रेकफास्ट इत्यादि भेज देते हैं कमरे में ही, तो बोल रहा है कि नाश्ता के लिए उसको परेशान नहीं करेगा। ऑर्डर द डेली एक्सप्रेस, केवल वो ऑर्डर दे दिया, क्या का, डेली एक्सप्रेस का है, डेली एक्सप्रेस क्या है, एक समाचार पत्र है, समाचार पत्र का ऑर्डर दे दिया। एंड आस्क फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल, और उसको बोल दिया कि बड़े सवेरे उसको क्या कर दिया जाए, फोन फोन लगा दिया जाए, कब, 7:15 AM। Tomorrow was going to be another busy day, और बोल रहा है कल का दिन जो है वो बहुत ही क्या होने जा रहा है, व्यस्त दिन होने जा रहा है। तो अभी इतना सब होने के बाद, अपना चाबी कलेक्ट करने के बाद, अभी वो अपना कमरे में ऊपर की ओर जा रहा है। He whistled softly to himself. He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs. और वो अभी थोड़ा थोड़ा मतलब मौज मस्ती के मूड में है, और इसलिए वो थोड़ा हल्का सा धीरे से मतलब सॉफ्टली मतलब बहुत धीमा से वो क्या करते जा रहा है, सीटी बजाते जा रहा है, हिमसेल्फ अपने आप में, आप खुद से वो सीटी बजाते जा रहा है, जैसे ही वो एक बड़ा सा जो सीढ़ी था, चौड़ा सीढ़ी था, उस पर चढ़ते जा रहा है। ही हैड सॉर्ट ऑफ लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रेस्ड अप एज अ मिनिस्टर, और उसको ये आइडिया भी बहुत पसंद था, ही हैड सॉर्ट ऑफ लाइक मतलब उसको पसंद किया था द आइडिया ऑफ बीइंग
बीइंग ड्रेस्ड अप, क्या को पसंद किया था वो, उस तरह का परिधान पहनने के लिए, उस तरह का कपड़ा पहनना उसको अच्छा लग रहा था। एज अ मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब जो कि फादर लोग, चर्च में जो फादर लोग होते हैं उन लोग पहनते हैं वेशभूषा, जो सुटांग या कैसक बोलते हैं, सुटांग लंबा परिधान पहनते हैं, उसको पहनने में उसको अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो पहना हुआ था डॉग कॉलर। डॉग कॉलर वही है जो कि फादर लोग यहाँ अपने गले के नीचे जो एक सफेद रंग का कॉलर पहनते हैं विदेश में, उसको कहा जाता है डॉग कॉलर। एंड एवरीथिंग, और ये सभी चीजें जो कि फादर लोग पहनते हैं उनको बड़ा अच्छा लगा था, किसको, इवेंस को, क्योंकि उसको पहनने का कभी नौबत नहीं आया था, लेकिन आज पहना था और उसको ये सभी चीजें उसको अच्छा लग रहा था। यस, बोल रहे हैं, हाँ, इट हैड बीन अ जॉली गुड आइडिया फॉर मैकलेरी। तो ये बहुत ही मजेदार मतलब आइडिया था इसके लिए, मैकलेरी के लिए, टू वेयर टू ब्लैक फ्रंट्स, क्योंकि उसने दो दो कोट पहन करके आया था। वेयर टू ब्लैक फ्रंट्स मतलब दो, ऊपर में जो घुटने तक जो कोट था वो दो कोट को पहन के आया था, टू कॉलर्स, वो सब चीज का दो दो थे वो पहन के आया था। कौन, जो नकली मैकलेरी बन के आया था, वो जो फादर था नकली मैकलेरी बन के आया था, वो हर चीज को दो दो थे पहन के आया था, कॉलर्स भी दो लगा लिया था, बट दैट टॉप कॉलर, लेकिन वो जो कॉलर है गला के नीचे का, फ्यू मतलब सी, इट हैड केप्ट ऑन स्लिपिंग, मतलब वो हमेशा फिसलते जा रहा था। The back stud, क्योंकि जो पिछला पिछला का जो बटन था, स्टड का अर्थ होता है पिछला हिस्सा का जो बटन था, वो निकल जा रहा था। तो यहाँ आपको पहली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब स्टेफन जो है मैकलेरी को जेल के फाटक के बाहर तक पहुंचाने गया था, तो खुद ही बोल रहा था कि वो कितना, उसका बात करने का मतलब स्कॉटिश स्टाइल में बहुत बढ़ा चढ़ा करके, वो बहुत अधिक एक्सेंट लहजा बहुत अधिक दे रहा था, और साथ ही साथ वो बहुत पतला दिखाई दे रहा था। जब वो परीक्षा लेने के लिए घुसा इवेंट्स का, उस समय तो बहुत मोटा लग रहा था, लेकिन जब वो परीक्षा मतलब परीक्षा ले करके जब निकलता है और स्टेफन उसको जेल के फाटक के बाहर छोड़ देता है, तो उस समय बहुत पतला लग रहा था, और स्टेफन को लगा भी कि मैं अपने आंख का मैं धोखा खा जा रहा हूँ क्या, ऐसे तो ऐसे कुछ भी बात नहीं था, लेकिन मतलब हर चीज दो दो चीज पहन के आया था, जो नकली मैकलेरी बन के आया था वो व्यवस्था करके आया था किसके लिए, इवेंट्स के लिए। तो यहाँ आपका पहली सुलझ जाती है, और इसीलिए वो मोटा लग रहा था, लेकिन वो जब वापस जाता है तो आधा मतलब एक सेट को निकाल देता है किसके लिए, एवेंस के लिए, ताकि एवेंस भी नकली मैकलेरी बन करके अंदर में रहे। तो ये मतलब उनका क्या था, एक प्लान था। तो वो बता रहा है आगे, एवेंस वो जो कॉलर था उसको पहन रहा था और वो फिसल जा रहा था, उसके गले से फिसल जा रहा था, क्योंकि उसका जो बटन था उसके कारण, स्टड मतलब बटन। And there had been that one panicky moment. और वहाँ पर तो एक ऐसा क्षण आ गया था, एक डरावनी क्षण भी आ गया था, पैनिकी मतलब थोड़ा सा बिगड़ के घबरा जाना या डर जाना, तो ऐसा क्षण भी आ गया था, when McLary had only just got his hand up, और तभी मैकलेरी जो है अपना हाथ को अपने गर्दन के पास ले लिया, his hand up to his neck, अपने गर्दन के पास ले लिया, in time, समय पर, to stop the collars springing apart, ताकि उसको रोक सके, स्टॉप मतलब रोक सके, द कॉलर्स, कॉलर्स जो है गले में जो कॉलर्स फादरों के द्वारा पहना जाता है, वो कॉलर फिसल ना जाए, स्प्रिंगिंग अपार्ट बिफोर स्टेफन, मतलब स्टेफन के सामने जो कॉलर था वो गिर ना जाए, मतलब वो गिरने ही वाला था, और स्टेफन क्योंकि बार बार झांकता था कहां से, दरवाजा के जो छिद्र था पीप था वहां से बार बार झांकता था कि अंदर क्या चल रहा है, और उसके सामने ही गिर जाने वाला था, लेकिन समय रहते वो अपना हाथ वहां ले लेता है अपने गले के पास और उसको पकड़ लेता है, मतलब ऐसा पानी की मोमेंट भी आ गया था। आ, they had got that little problem worked out, तो बोलता है आ, कि they had got, उन लोग समाधान कर लिए, the little problem, उस समस्या का, little problem का है, छोटा सा जो समस्या था, उसका उन्होंने समाधान कर लिया था, worked out, मतलब समाधान कर लिया था। तो ये छोटा समस्या क्या है, छोटा समस्या कहने का अर्थ है, जो स्टेफन था, क्योंकि दरवाजा के पास से वो बार बार अंदर झांक रहा था, हर एक मिनट में वो झांकता था अंदर, उसके बाद में हर दो मिनट में कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, तो उसके लिए उन्होंने समाधान ढूंढ लिया था, वर्क आउट ऑल राइट, मतलब उसके लिए बहुत अच्छा समाधान ढूंढ लिया था, कौन, इवेंस। तो अ पेन स्टक इन द माउथ व्हेन एवर द इविल आई हैड अपीयर्ड एट द पीपल, तो उसके लिए समाधान क्या था, इन्होंने सोच किया, कौन, इवेंस, कि वो उसके मुंह में पेन को दबा करके वैसा ही बैठा रहेगा और वो दरवाजा की तरफ देखते रहेगा, तो जब कभी जो स्टेफन था दरवाजा के छिद्र से देखता था तो उसको हमेशा वैसे ही देखता था कि मुंह में क्या दबाए हुए है, पेन दबाए हुए है और दरवाजा की तरफ देख रहा होता था। तो मतलब ये भी सोची समझी क्या थी, साजिश थी, एक प्लान था, साजिश का एक हिस्सा था ये भी।
ताकि जो स्टेपन है वो मतलब थोड़ा सा उसको लगे कि अरे कुछ भी नहीं चल रहा है, तो लिख भी नहीं रहा है, मतलब क्या बार बार देखोगी, इस तरह का उसके मन में ये बात आई। इसलिए उस ये सभी क्या था, उसकी योजना के तहत ही था। तो वेन एवर, तो पेन स्टक इन द माउथ, तो पेन को अपने मुंह में दबा लिया था। वेन एवर द इवल आई, इवल आई मतलब जो दुष्ट आंख था, जब कभी देखता था, अपीयर्ड मतलब दिखाई देता था, और द पीट होल मतलब दरवाजा का जो छेद था उसमें से जब कभी देखता था, तो अपना इवांस जो है अपना मुंह में पेन को दबाए बैठा हुआ था। इजी, बहुत सहज था। बट ऑल दैट फिडलिंग अबाउट अंडर द ब्लैंकेट विद द ब्लैक फ्रंट एंड द स्टड एट द बैक ऑफ द कॉलर, तो बोल रहा है ये बहुत सहज था लेकिन उतना सहज नहीं। बट ऑल दैट फिडलिंग, फिडलिंग मतलब वो सभी खेल जो कि कंबल के अंदर चल रहा था, फिडलिंग मतलब खेल या तो काम, अबाउट अंडर द ब्लैंकेट, क्योंकि वो कंबल ओढ़े हुए था और कंबल ओढ़ करके अंदर ये सभी लोग क्या कर रहे थे, ड्रेस बदल रहे थे। ब्लैक फ्रंट मतलब वो जो काला कोट था उसको पहन रहा था, एंड द स्टड और जो बटन एट दैट बैक ऑफ द कॉलर, और वो बटन लगा रहा था कॉलर का, कॉलर जो गले में पहनते हैं उसका बटन लगा रहा था, दैट हैड बीन फार मोर डिफिकल्ट, ये सभी चीजें बहुत कठिन था, देन दे हैव बार्गेन, जैसे कि वे एक्सपेक्ट किए थे। बार्गेन का जो वास्तविक अर्थ होता है वो तो सौदेबाजी करना होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि उन्होंने सोचा था उससे कहीं जटिल था, है ना, जैसे प्लान बनाए थे उससे कहीं हकीकत में करना, कंबल के नीचे रख करके उस ड्रेस को पहनना, कोट को पहनना, कॉलर इत्यादि लगाना कितना कठिन काम था उनके लिए। फॉर एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुली स्मूथली, दो और इसके बावजूद भी सब चीज बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से और बिना रुकावट के आगे बढ़ गया था, सब चीज सही ठीक ठाक था, बोल रहा है। इन द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रोमिस्ड हिम, और कार में वो सभी चीजें उसके लिए मतलब वो पाता है जो उन्होंने उसको वादा किया था। सोप एंड वाटर, तो वहां पर साबुन था, पानी था, क्योंकि उसके ऊपर खून इत्यादि ना, तो सबके लिए नहाने के लिए, साफ करने के लिए उनके पास क्या था, साबुन था, पानी था, जो उन्होंने वादा किया था उनके दोस्त लोग, क्लोथ्स कपड़े थे, द मैप और एक नक्शा था, यस द मैप, और हाँ वो नक्शा ऑफ कोर्स मतलब निस्संदेह वो नक्शा, क्योंकि नक्शा के बगैर वो उतनी देर कहीं भी नहीं जा सकता था। द ऑर्डन सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्ड शायर, तो नक्शा क्या था, ऑर्डन सर्वे मतलब सैनिकों का सर्वेक्षण का नक्शा था, जो कि ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड शायर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑक्सफोर्ड शायर ने सैनिकों के सर्वेक्षण का एक नक्शा मतलब प्रकाशित किया था, वो नक्शा इसके हाथ में मिल गया था, और इस नक्शा में मतलब बहुत ही विस्तार से सभी छोटे छोटे चीजों को भी शामिल किया जाता है, और वही नक्शा इसके हाथ में था, इवांस के हाथ में। ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, तो वो उसके पास कुछ अच्छे दोस्त लोग भी थे, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स, और कुछ लोग बहुत ही चालाक दोस्त उसके साथ थे। क्राइस्ट आह, तो बोल रहा है भगवान मतलब कितने अच्छे दोस्त थे उसके उसके पास। तो ये सभी बातें वो सोचते हुए कहाँ जा रहा है, अभी ऊपर अपने होटल में अपने कमरे की ओर जा रहा था। ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम, वह अपना बेडरूम का जो दरवाजा था उसको खोलता है, अनलॉक मतलब खोलना डोर, एंड क्लोज्ड इट क्वाइटली बिहाइंड हिम, और फिर से वो अपने पीछे उस दरवाजे को क्या कर देता है, बंद कर देता है। एंड देन स्टूड फ्रोजन, और फिर वो फ्रोजन मतलब उस तो खड़ा हो जाता है बिना हिले डुले, जम जाता है, मानो उसका पैर वहां क्या हो गया हो, जकड़ गया हो, मतलब पूरे वो बर्फ की तरह वहां खड़ा हो जाता है, टू द स्पॉट एक ही जगह में। लाइक अ मैन हु हैज जस्ट कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द गॉर्गन, उस व्यक्ति की तरह जो कि वह व्यक्ति जो कि इसका एक चुड़ैल का क्या झलक मिल गया है, चुड़ैल का झलक देख लिया है। ग्लिम्स, ग्लिम्स का अर्थ होता है झलक, ऑफ द गॉर्गन, गॉर्गन का अर्थ होता है चुड़ैल। तो जो यूनान देश में एक लड़की हुआ करती थी, एक महिला हुआ करती थी, जिसके जो बाल होते हैं तो बाल के स्थान पर सांप हुआ करते थे, तो उसी को कहा जाता है गॉर्गन। तो मानो वो क्या देख लिया हो, उस चुड़ैल को देख लिया हो, उसका झलक देख लिया हो, और इसीलिए वो मतलब एक स्थान से हिलडुल भी नहीं पा रहा है। तो क्या हुआ, हम आगे देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब इवांस। सिटिंग ऑन द नैरो बेड वाज द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड, तो वहां पर एक जो सकरा सा बिस्तर था उसमें वही व्यक्ति मतलब बैठा हुआ था जिसको कि शायद इवान इस पेपर सबसे आखिरी में देखना चाहता, तो आखिरी में देखना चाहता, इसका अर्थ ये है कि जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो जिसको कभी देखना पसंद नहीं करता, आखिरी में देखना पसंद करता, हम देखना कर पसंद करता, मतलब जितने भी लोगों हैं अगर बस जाए तो आखिरी में देखता है ना, कहने का अर्थ है कि उस व्यक्ति को देखना नहीं चाहता था, वही व्यक्ति वहां पर था।
तो कौन हो सकता है? इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग सेड द गवर्नर. तो गवर्नर वहां पर आकर के बैठ गया है उसके सकरे बिस्तर में, और इस व्यक्ति को ही वो दिखना नहीं चाहता है ना, और वही हुआ. और इसीलिए वहां बोल रहा है इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग. तो यहाँ पर बेकार का प्रयास मत करो, किसी भी तरह का प्रयास मत करो भागने का, बोल रहा है सेड द गवर्नर. गवर्नर ने कहा क्वाइटली, मतलब चुपचाप से. एज इवान्स आइज डार्टेड डिस्परेटली, और जैसे कि इवान का जो आंख था वो इधर उधर, मतलब वो अपनी आंखों से इधर उधर देख रहा था डिस्परेटली, हताशा निराशा में. अराउंड द रूम, तो रूम के चारों ओर वो इधर उधर हताश होकर के वो देख रहा था. आई हैव गॉट मेन ऑल अराउंड द प्लेस, तो बोल रहा है मैं इस घर के चारों ओर लोगों को, मतलब मैंने मतलब बिछा दिया है, लोग इस होटल को घेर लिए हैं, बोल रहा है कौन गवर्नर. वेल देर वेर ओनली टू रियली, बट इवान्स नीडंट नो दैट, लेकिन हकीकत में वहां पर केवल दो ही थे, गवर्नर था और इवान था. लेकिन इवान को ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं थी, और इसीलिए बोल रहा है कि तुम घिर चुके हो, तुम्हारा ये जो जगह है पूरे लोगों से घिर चुका है, बोल रहा है को गवर्नर, लेकिन हकीकत में केवल दो ही लोग हैं. He let the words sink in. वो चाहता था कि इवान्स जो है, इवान के मन में इस तरह का बात उसके मन में घुस जाए कि वो अभी घिर चुका है, ऐसा उसको एहसास दिलाना चाहता था गवर्नर. Women too, तो बोल रहा है कि महिलाएं भी इसमें शामिल हैं. Didn't you think the blonde girl in reception was rather sweet? तो क्या तुमने नहीं देखा कि उस रिसेप्शन के डेस्क के पास जो लड़की, मतलब सुनहरे बाल वाली लड़की थी, वो कितना स्वीट थी, कितना स्वीट थी, बोल रहा है. Evans was visibly shaken. तो देखो अभी जो है Evans पूरी तरह से अभी क्या हो गया था, हिल गया था. Shaken, shaken का अर्थ है वो पूरी तरह से हिल गया था. He sat down slowly in the only chair the small room could offer. और वो धीरे से उस एकलौता कुर्सी में बैठ गया जो कि उस कमरे में था. And held his head between his hands. और अपना सिर को अपने हाथों से पकड़ लिया. तो अपना सिर को अपने हाथों से पकड़ लिया. For several minutes there was utter silence. और लंबे समय तक वहां पर केवल सन्नाटा छाया रहा. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कमरे में पहले से आकर के यहाँ पर गवर्नर उसके सकरे से बिस्तर पर बैठा हुआ है, और बड़े मस्ती में सीटी मारते हुए कमरे में प्रवेश किया और अपना अंदर घुस करके दरवाजा भी बंद कर लिया. और अचानक से इस व्यक्ति को कभी इसने नहीं सोचा था, और इसको वो देखता है कौन, इवान्स. तो यहाँ हम देखते हैं फाइनली ही स्पोक. तो इवान्स जो है अंत में बोलता है, इट वॉज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज. तो बोल रहा है कि ये उस दुष्ट करेक्शन स्लिप के कारण ही आप यहाँ पर पहुंच पाए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, बोल रहा है कौन, इवान्स. वेरी वेल, तो द गवर्नर फेल्ड टू मास्क डीप सेटिस्फैक्शन इन हिज वॉइस. तो गवर्नर जो है उस बात को छुपा नहीं पाता है. गवर्नर फेल्ड मतलब असफल हो गया. टू मास्क, मास्क का अर्थ है छुपाना. द डीप सेटिस्फैक्शन, चेहरे में जो संतुष्टि का भाव था, उस भाव को छिपाने में असफल हो जाता है. वो मान लेता है कि हाँ उसी के कारण हम लोग यहाँ पहुंच, तुम्हारे पीछे पहुंच गए, बोलता है. देर आर अ फ्यू पीपल हु नो लिटिल जर्मन. तो बोल रहा है वहां पर कुछ छोटे ऐसे भी लोग हैं जिनको जर्मन आता है, बोल रहे हैं जर्मन आता है. स्लोली, वेरी स्लोली इवान्स रिलैक्स, धीरे से, बहुत धीरे से इवान्स थोड़ा सा शांत हो जाता है. अभी तक तो उसका दिल का धड़कन बढ़ा हुआ था, वो मतलब कई तरह के उसके दिल में चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा वो शांत हो जाता है. ही वॉज बीटन एंड ही न्यू इट. वह अभी हार चुका था. बीटन का अर्थ होता है पिटना. तो अभी वो हार चुका था और इसको जानता था. He sat up at last, और वह आखिरी में बैठ जाता है. And managed to smile ruefully, और वह सफल हो जाता है मुस्कुराने के लिए. ruefully मतलब ruefully का अर्थ है मतलब उसको पछतावा हो रहा हो, वो पछतावे का भाव देकर के मुस्कुराने लगता है. You know, बोलता है कि आप जानते हैं, it wasn't really a mistake. तो बोल रहा है कि ये हकीकत में मतलब ये गलती नहीं था, बोल रहा है. दूसरी, आप देखते हैं, We hadn't been able to fix up any hotel. बोल रहा है कि आप देखते हैं कि हमने अभी तक ऐसा होटल फिक्स नहीं कर पाए थे. होटल का अर्थ यहाँ होटल से है. But we could have worked at some other way. लेकिन हम लोग उसको किसी दूसरे तरीके से काम करना चाह रहे थे. अभी तक हमने कौन सा होटल में भागना है ये फिक्स नहीं कर पाए थे, लेकिन हम लोग उसको दूसरे तरीके से काम करना चाह रहे थे. अदर वे मतलब दूसरे तरीके से हम लोग उस पर काम कर रहे थे, बोलता है. No, the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished.
बोल रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण समय तो वो कल था जब परीक्षा समाप्त होने के ठीक पहले फोन का बजना, परीक्षा समाप्त होने के ठीक पहले फोन का बजना, वो क्षण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था, बोल रहा है इवान, क्योंकि 11:22 तक वहां पर क्या आया था, फोन आया था, कहा गवर्नर की ओर से फोन आया है ऐसा बताया गया था, तो वो जो समय था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, बोल रहा है बिफोर द एग्जाम फिनिश, टू गेट एवरी वन आउट ऑफ द वे, ताकि सभी को रास्ते से हटाया जा सके, फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, थोड़ा सा समय के लिए, थोड़ा सा समय के लिए सबको क्या किया जा सके, रास्ते से हटाया जा सके, तो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्जाम स्टार्टेड, डिडंट वी, और इसीलिए हम लोगों को जानना था कि परीक्षा का एग्जैक्ट समय, कि परीक्षा एग्जैक्ट समय कब शुरुआत हुआ, उसको हम लोगों को जानना था, बोल रहा है इवांस। और आगे हम देखते हैं गवर्नर क्या बोलता है, एंड लाइक अ फूल I presented you with that little piece of information on a plate, तो बोल रहा है गवर्नर, और मैं एक मूर्ख की तरह जो सूचना था उस सूचना को मैंने एक प्लेट में तुम्हारे सामने क्या कर दिया, परोस दिया, तुम्हारे सामने उस सूचना को मैंने एक प्लेट के रूप में आपको ऑफर कर दिया, बोल रहा है। Well, somebody did, तो बोल रहा है चलो किसी ने तो किया, बोलता है इवांस, so you see, तो आप देखते हैं सर, That correction slip killed two little birds with a single stone. तो बोल रहा है कि वो जो संशोधन स्लिप था या तो करेक्शन स्लिप था, वो एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मार डाला, killed था मतलब एक मुहावरा है, तो वो एक ही पत्थर से वो दो पक्षियों को मार डाला, बोल रहा है killed two little birds with a single stone, didn't it, है कि नहीं, बोल रहा है। तो पहला क्या, the name of the hotel for me, तो बोल रहा है मेरे लिए तो पहला उस जो करेक्शन स्लिप था उससे मुझको पता चला कि नेम का मतलब होटल का नाम हमको पता चला, यहाँ से भागने के बाद हमको किस होटल में ठहरना है वो पता चला, एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्जाम स्टार्टेड फॉर, और वो एग्जैक्ट समय कि कब मतलब परीक्षा शुरू हुआ, क्योंकि गवर्नर ने बताया था उस समय, आप याद कर रहे होंगे कि ठीक असिस्टेंट सेक्रेटरी फोन किया था, असिस्टेंट या तो उप सचिव फोन किया था माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से, वो भी क्या था फेक फोन कॉल था, और तब गवर्नर ने बता दिया था कि 15 मिनट हो रहा है परीक्षा शुरू हुआ, तो इनको पता चल गया था कि मतलब परीक्षा कब खत्म होगा, 11:25 में खत्म होगा, क्योंकि 9:25 में खत्म हुआ है तो 11 शुरुआत हुआ है परीक्षा, तो 11:25 में 2 घंटे का, तो उनको एग्जैक्ट परीक्षा कब खत्म होगा वो टाइम उनको पता चल गया था। The governor nodded, और गवर्नर ने सिर हिलाया। It's a pretty common word, तो बोल रहा है तो बहुत सामान्य सी बात है, सामान्य शब्द है, बोल रहा है। Good job, it is a pretty common sir, तो बोल रहा है बहुत अच्छा, ये तो मतलब साधारण मतलब नाम है। और I have known where to come to, would I? लेकिन मेरे को कभी मतलब जानकारी नहीं होती कि वहां से निकलने के बाद हमको कहाँ भागना पड़ता, would I? क्या मेरे को पता चलता, नहीं चलता, बोल रहा है। Nice name, though, Zoom Golden and Loven. तो बोल रहा है बहुत अच्छा नाम, तो जैसे कि Zoom Golden and Loven, तो यही करेक्शन किया गया था, है ना? और इसमें ये जो Golden and क्या है, होटल का नाम छिपा हुआ था इस Golden में, Golden Lion, Golden and मतलब Golden Lion, तो इसमें होटल का नाम छिपा हुआ था। How did you know which Golden Lion it was? There is hundreds of them. तो यहाँ पर फिर पूछ रहा है Evans, कैसे आपको पता चला कि ये गोल्डन लायन ही होटल है, क्योंकि वहां पर तो इस तरह के मतलब सैकड़ों सैकड़ों मतलब इस नाम से तो सैकड़ों होटल है, तो गोल्डन लायन ही है, तुमको कैसे पता चला, क्योंकि और भी सैकड़ों होटल है इस नाम से, बोल रहा है। सेम एज यू इवांस, तो बोल रहा है गवर्नर उसी तरह से इवांस, जैसे कि तुम इंडेक्स नंबर 313 जो कि दिखाया गया था करेक्शन स्लिप में, है ना, 313 सेंटर नंबर 271 रिमेम्बर, याद कर रहे हो 313 इंडेक्स नंबर था तुम्हारे एग्जाम का, और जो सेंटर नंबर था वो 271 था, याद कर रहे हो, बोल रहे सिक्स फिगर्स, बोल रहे उसमें कितना फिगर था, 6 फिगर है, 1, 2, 3, 4, 5 से, मतलब 6 अंकों का है। एंड इफ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्ड शायर, और अगर हम जो ऑक्सफोर्ड शायर की ओर से प्रकाशित किया गया है सैनिकों का मतलब सर्वे मैप, जो नक्शा प्रकाशित किया गया है उसमें अगर हम देखें, यू फाइंड, तो तुमको मिलेगा दैट द सिक्स फिगर रेफरेंस, कि वो जो 6 अंकों का जो रेफरेंस है वो कहाँ मिलेगा, 313 अपॉन 271 लैंड्स यू बाइंग इन द मिडल ऑफ शिपिंग नॉर्टन। तो वो जो अगर हम इसको देखते हैं, ये जो 6 अंकों का नंबर है
इसको उस मैप में देखते हैं तो हम लोग यही पहुंच पाते यही इसके मिडल में पहुंचते हैं, ठीक इसके शिपिंग नॉर्टन के मध्य में हम लोग पहुंचते हैं। मतलब जो होटल का नंबर है वो यही नंबर है ना, जिसमें अभी इवेंस ठहरा हुआ है, तो होटल का जो नंबर है यही नंबर है। मतलब ये होटल का नंबर, उस होटल में का नंबर यही है, क्योंकि बहुत सारे होटल उस नाम से है लेकिन उस नंबर है वो इसी नंबर से है। तो उस नक्शा में देखने से मतलब हम यहीं पर पहुंचते हैं, बोल रहा है शिपिंग नॉर्टन के इसी होटल में। होटल का नाम क्या है? गोल्डन लायन होटल में। उस गोल्डन होटल गोल्डन लायन को होटल का नंबर क्या था? 313/271। फिर आगे देखते हैं, या यू आर राइट। तो बोल रहे हैं हाँ हाँ आप ठीक हैं। बोल रहे हैं कौन? इवांस। ओ वी हैड ऑफन यू वुड रन ऑफ टू न्यूबेरी। तो बोल रहा है कि वी हैड होप। तो बोल रहा है हमने सोचा था कि आप किधर दौड़े चले जाओगे? न्यूबेरी की तरफ चले जाओगे। बोल रहे हैं इवांस, क्योंकि इनका प्लानिंग ही था, इसलिए जानबूझ करके क्वेश्चन पेपर को लोग इनको मतलब गुमराह करने के लिए छोड़ा गया था इवांस की तरफ से, ताकि इन लोग कहाँ चले जाए? न्यूबेरी की तरफ चले जाए और उधर ही किसको खोजते रहे। तो बोल रहा है कि हमने तो सोचा था कि आप दौड़ करके कहाँ जाओगे? न्यूबेरी की तरफ जाओगे। वी डिड। गवर्नर बोल रहा है हाँ हमने ऐसा किया। वेल दैट्स समथिंग आई सपोज। बोल रहा है ये जो इवांस बोल रहा है ठीक है, मैं भी ऐसा सोचता था। बोल रहे हैं दैट क्वेश्चन पेपर इवांस, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल दैट जर्मन? आई कुड हार्डली। तो यहाँ फिर से गवर्नर पूछ रहा है, वो जो क्वेश्चन पेपर इवांस, क्या तुम हकीकत में उस जो जर्मन था उसको क्या समझते थे? आई कुड हार्डली, मैं तो मुश्किल से समझ पाया। बोल रहा है ना कोर्स आई कुडंट। तो बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो कोर्स उसमें समझ में नहीं आया। आई न्यू रफली वट इट वॉज ऑल अबाउट। मैं तो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही रफली ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत मैं जानता था। But we just opt का अर्थ है यहाँ hoped, but we just hoped it had throw a few spanners in the works। लेकिन हम लोगों को आशा था कि इससे मतलब ये throw few spanners, एक मुहावरा है ये few spanners, मतलब ये जो है कुछ मतलब उलझा देगा। spanners, throw few spanners मतलब ये जो है आप लोगों को उलझा देगा। in the works आप लोगों को ऐसे काम में उलझा देगा, you know, मतलब आपको पता है sort of muddle everybody a bit, कि सब लोग थोड़ा बहुत क्या हो जाएंगे इस परीक्षा के माध्यम से उलझ जाएंगे और हमारे लिए एक मौका बनेगा कहाँ भागने के लिए। तो हकीकत में जो है परीक्षा वास्तव में देना नहीं चाह रहा था, जैसे कि शुरुआत में बताया गया है कि वह बहुत उत्सुक था ओ लेवल परीक्षा देने के लिए, लेकिन परीक्षा देने के लिए क्या मतलब उत्सुक नहीं था, लेकिन इनको उलझाने के लिए, ताकि इन लोग परीक्षा के रूप परीक्षा को लेकर के बहुत जल्दी उलझ जाए और उसको एक मौका बने किसको इसको भागने के लिए, और इसीलिए वो परीक्षा देना चाह रहा था। गवर्नर स्टूड अप, और जो गवर्नर था वो खड़ा हो जाता है। टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो। तो बोल रहा है एक चीज मुझे बताओ इससे पहले कि हम लोग यहाँ से जाएं। हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड? कि कैसे तुमने वो सभी जो खून उड़ेल तुम्हारे सिर पर उड़ेले थे, पोर ओवर, पोर का अर्थ होता है उड़ेलना, जो कि तुम अपने सिर पर उड़ेला था उसको तुम कहाँ से पाए? बोल रहे हैं इवांस। इवांस सडनली लुक्ड अ लिटिल हैप्पियर। तो इवांस थोड़ा सा मतलब अचानक से वो मतलब खुश हो जाता है। क्लेवर सर बोलता है, बहुत सलाकी का काम है सर, होता है वेरी क्लेवर, बहुत सलाकी का। दैट वाज हाउ टू गेट अ कपल कपल ऑफ पिंस ऑफ ब्लड्स। तो वो कैसे हम लोग मतलब ए कपल ऑफ पिंस ऑफ ब्लड ब्लड इनटू अ सेल, इस पोटरी में मतलब जो खून लाना था उसको कैसे हम ला सकते थे, ये तो बहुत सरल बात था। बोल रहे हैं हाउ टू गेट अ कपल ऑफ पिंस। पिंस का अर्थ होता है जो कि द्रव को मापने का जो यूनिट है, जैसे कि पानी को हम लीटर में मापते हैं, उसी तरह से पिंस भी क्या है, द्रव को मापने का एक यूनिट है। तो खून का एक यूनिट मतलब एक लीटर खून लाने स्कॉटरी में खून लाना बहुत ही सहज था, बोलता है इनटू अ सेल। व्हेन देयर इज नन देयर टू स्टार्ट ऑफ विथ। तो बोल रहा है अगर वहां पर कुछ भी खून नहीं था कोठरी में तो कहाँ से शुरुआत करें? देयर टू स्टार्ट विथ मतलब कहाँ से शुरुआत करें। एंड व्हेन और तब एयर एंड व्हेन द इनविजिलेटर सर्विस से। तो बोल रहा है अगर मैं ऐसा कहूँ कि जब सभी का तलाशी लिया जा रहा था, यहाँ तक कि हमारा जो पर्यवेक्षक था इनविजिलेटर था, अगर मैं ऐसा कहूँ उसका भी तलाशी लिया जा रहा था। गेट्स सर्च बिफोर ही कम्स इन, इससे पहले कि वो अंदर परीक्षा लेने के लिए आता है उसकी भी तलाशी लिया जा रहा था। यस सर। तो बोलता है हाँ उसका भी तलाशी लिया जा रहा था। यू कैन वेल आस्क अबाउट दैट। तो बोल रहा है कि आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। एंड आई do not
इफ आई ऑट टू टेल यू, तो मेरे को उसके बारे में बताने की उतना जरूरत नहीं है मैं सोचता हूँ. आफ्टर ऑल आई माइट वॉन्ट टू यूज दैट पार्टिकुलर, क्योंकि बोल रहा है इसके बाद में भी शायद उस योजना को मैं फिर से मतलब क्या करूँ, प्रयोग में ला सकता हूँ, इसलिए आपको बताने की जरूरत उतना मैं नहीं समझता हूँ. तो थोड़ा सा हिंट दे दिया, जो इन्विजिलेटर था वो लेकर के आया था, है ना, हिंट दे दिया, क्योंकि आप भी उसकी तलाशी ले रहे थे, अच्छी तरह से तलाशी ले रहे थे, तो इसको कोठरी में लाना उतना सहज तो नहीं था, लेकिन आप लोग ने तलाशी ले रहे थे, तो कहीं से तो शुरुआत करना था उस खून को वहां तक लाने में, बोल रहा है. तो यहाँ पर आखिर में गवर्नर खुद ही बोलता है, एनीथिंग टू डू विद अ लिटिल रबल रिंग और पैल्स परहैप्स, तो बोल रहा है कि उस जो अर्ध गोलाकार रबर था, रबर का ट्यूब था, उससे तो कुछ मतलब कनेक्शन नहीं है, बोल रहा है, जो कि बवासीर का बीमारी होने का नाटक किया गया था, बोल रहा है. इवांस ग्रिंड फीबली, और इवांस जो है वो धीरे से वो हंसता है, ग्रिंड मतलब हंसता है, मुस्कुराता है, फीबली फीबली का अर्थ है धीरे से. फ्लेवर थॉट वाजंट इट, तो बोलता है बहुत अच्छा मतलब विचार था, है कि नहीं, बोल रहा है गवर्नर. मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिकिंग अ कपल ऑफ पिंस, तो गवर्नर पूछ रहा है तो मतलब ये तो बहुत कठिन काम था होगा कि इतना दिक्कून को लेकर के आना, मतलब इतना दिक्कून को उस ट्यूब में भरना बड़ा कठिन काम था होगा, बोल रहा है ना. यू हैव गॉट अ रॉन्ग सर, तो बोल रहा है इवांस, नहीं आपको कुछ गलत फहमी है सर, बोल रहा है. नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, बोल रहा है उसको उस ट्यूब में भरने की कोई बड़ी बात नहीं थी, बोल रहा है नो, तो किसी भी तरह का समस्या नहीं था ट्यूब में भरना, बोल रहा है ना. इट्स द क्लोटिंग, तो बोल रहा है वैसे कोई समस्या नहीं था, लेकिन समस्या क्या था, क्लोटिंग का था. क्लोटिंग मतलब खून जो है उसको थक्का बनने से रोकना, जब हम कहीं पर भी हमारा हाथ में कट जाता है तो खून बहने लगता है, फिर उसके बाद में वो खून क्या होता है, जम जाता है, उस जमना को ही क्या कहा जाता है, क्लोटिंग. तो बोल रहा है कि खून जो है जम जा रहा था, वो बड़ी बात थी, वही मुश्किल काम था, बोल रहा है. यू सी, आप देखते हो, दैट्स द बिग ट्रबल, वही एक बड़ी समस्या थी, खून का जमना, क्योंकि 2 घंटे तक खून को बिना जमे रखना बड़ा दिक्कत का काम था, बोल रहा है. वी गॉट द ब्लड इजी एनफ, तो बोल रहा है हमने खून को आसानी से पा लिया, पिग्स ब्लड, और वो जो खून किसका था, सुअर का खून था, पिग्स ब्लड मतलब सुअर का खून था. इट वॉज फ्रॉम द स्लॉटर्स हाउस इन केडलिंगटन, तो बोल रहा है केडलिंगटन में एक खाने से लाया गया था, स्लॉटर्स हाउस, जहां पर जो जानवरों को कसाई के द्वारा काटा जाता है, बुचड़ खाना, हम स्लॉटर को कहा जाता है बुचड़ खाना, तो किडलिंगटन के बुचड़ खाने से, किडलिंगटन एक जगह है, वहां के बुचड़ खाने से सुअर का खून खून लोग लेके आए थे. बट टू स्टॉप इट्स क्लोटिंग, लेकिन ये इसको थक्का बनने से रोकने के लिए, यू हैव गॉट टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड, आपको आपका खून, आपका खुद का खून इसमें क्या करना होता है, मिक्स करना पड़ता है, मिश्रण करना पड़ता है. Evans took a breath, और Evans ऐसा बोलने के बाद लंबी सांस लेता है. With 1/10 of its own volume of 3.8% trisodium citrate, तो बोल रहा है कि इस खून का 10वां हिस्सा में, 1/10 मतलब 1/10वां हिस्सा में इसके वॉल्यूम के अनुरूप 3.8% क्या मिलाना पड़ता है, trisodium citrate मिलाना पड़ता है, ताकि जो खून का वो जमे नहीं, वो थक्का ना बने. Didn't know that. Did you, sir? क्या आप इसको जानते थे? क्या आप जानते हैं सर? आप तो नहीं जानते थे, क्या आप जानते थे, बोल रहा है कौन, इवांस पूछ रहा है गवर्नर को, कि थक्का को मतलब थक्का बनने से रोकने के लिए उसमें 3.8% क्या मिलाना पड़ता है, ट्राइसोडियम साइट्रेट मिलाना पड़ता है, जिससे कि जो है खून जमे नहीं, लेकिन हमेशा मतलब वो द्रव के रूप में रहे. The governor shook his head in a token of reluctance. तो गवर्नर जो है वो अपना सिर को हिलाता है, और वो थोड़ा ना चाहते हुए भी उसका प्रशंसा में अपना सिर हिला देता है. Admiration, admiration का अर्थ है प्रशंसा में अपना सिर हिला लेता है. We learn something new every day. तो बोल रहा है हम लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, बोल रहा है. They tell me, और वे लोग मुझे बताते हैं. Come on my lad, तो बोल रहा है अरे लौंडे चलो फिर, अब बहुत हो गया, ये मजाक की बात, बोल रहा है. Evans made no show of resistance, और यहाँ पर जो है Evans किसी भी तरह का मतलब विरोध नहीं करता है, resistance किसी भी तरह का विरोध नहीं करता है. And side by side, the two men walked slowly down the stairs, और उसके बगल में, और नहीं जानते हैं लोग कौन है, तो इन लोग भी शायद गवर्नर के साथ आए होंगे, तो व्यक्ति उसके अगल बगल में मतलब धीरे धीरे stairs, down stairs, नीचे के फ्लोर में लोग चले गए, नीचे के मंजिल में लोग चले गए सीढ़ी से उतर करके. Tell me, Evans, how did you manage to plan all this business? तो अभी फिर से गवर्नर पूछ रहा है कि मुझको बताओ इवान कि ये सभी चीजें आपने, तुम कैसे मतलब सफलता प्राप्त के लिए ये सभी योजना बनाने में, बोल रहा है.
ये सब जो योजना तुम बनाया इसमें तुम कैसे सफल हो गए, बोल रहा है। यू हैव हैड नो विजिटर्स, बोल रहा है गवर्नर कि तुम्हारे पास तो कोई मिलने भी नहीं आता था। आई हैव सीन टू दैट, और ये तो मैं खुद अपनी आंखों से मैं निगरानी कर रहा था। यू हैव हैड नो लेटर्स, तुम्हारे पास कोई पत्र भी नहीं आते थे। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स दो, तो इसके बावजूद भी इवांस बोल रहा है कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त लोग थे। What's that supposed to mean? इसका क्या मतलब है, बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब है, कौन बोल रहा है, गवर्नर। मी जर्मन टीचर फॉर आई स्टार्ट, अगर शुरुआत करें तो मेरा जर्मन टीचर बोल रहा है। शुरुआत से अगर कहें बोलूं मेरा जर्मन टीचर बोल रहा है। यू मीन बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज, तुम्हारा जर्मन टीचर, लेकिन वो तो टेक्निकल कॉलेज से था, बोल रहे हैं। वॉज ही, क्या वो टेक्निकल कॉलेज से था। इवांस वॉज ऑलमोस्ट इंजॉइंग इट ऑल नाउ, तो अभी बहुत आनंद ले रहा था, कौन, इवांस जो है बड़ी आनंद ले रहा था अभी। क्या आपने कभी उसको मतलब खोज पड़ताल की, क्या वो हकीकत में टेक्निकल कॉलेज से था, क्या बोल रहा है। एवर चेकअप ऑन हिम, एवर चेकअप ऑन हिम सर, क्या आपने उसका खोज पड़ताल किया, क्या हकीकत में वो टेक्निकल कॉलेज से था, पूछ रहा है। गॉड ऑलमाइटी, तो ये गॉड का अर्थ होता है भगवान, ऑलमाइटी का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, तो भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गॉड ऑलमाइटी, हे सर्व भगवान सर्वशक्तिमान, बोल रहा है। There is far more going on that, तो बोल रहा है कि इतना लंबा कुछ चल रहा था और मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, बोल रहा है। Always will be sir, तो बोल रहा है इवांस, और ऐसा ही चलता रहेगा सर, बोल रहा है। Everything ready, asked the governor as he stood by the reception desk. तो गवर्नर बोलता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ तैयार है, बोलता है। वहां पर कोई रिसेप्शनिस्ट को पूछता होगा, asked the governor, तो मतलब रिसेप्शन डेस्क के पास पूछता है क्या सब कुछ ठीक ठाक है, तैयार हो गया है, बोलता है। The van's out and front, sir. तो जो भी वहां पर था बोल रहा है कि गाड़ी जो है सामने में है सर, बोल रहा है गाड़ी जो है आ गई है, वो सामने में है। Said the pretty blonde receptionist, हाँ, तो वही बहुत सुंदर सी सुनहरे बार वाली लड़की है, बोल रही कि गाड़ी बाहर खड़ी है सर, बोल रही है। Evans winked at her, और देखो Evans जो है उस लड़की को आंख मारता है। Winked, wink का अर्थ होता है आंख मारना, तो लड़की को आंख मारता है। And she winked back at him, और वो भी उसको दोबारा से आंख मारती है। इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे, और उसका तो पूरा दिन मतलब आनंद से भर गया है ना, उसका पूरा दिन मतलब खुशनुमा हो गया, क्योंकि लड़की भी आंख मार दी और उसका दिन, मास का दिन मतलब बहुत अच्छा हो गया, किसका, इवांस का। अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ्ड द रिकैप्चर्ड इवांस, तो एक शांत साइलेंट प्रिजन ऑफिसर जेल का अधिकारी था, और जैक्सन और स्टेफन में से इन लोग अलग हैं, तो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर जो था अभी तक बहुत शांत था, उसको हथकड़ी लगाता है। हैंडकफ्ड का अर्थ होता है हथकड़ी लगाना। द रिकैप्चर्ड इवांस, जो कि दोबारा से पकड़ा गया था इवांस, उसको हथकड़ी लगाता है, एक शांत स्वभाव का जो जेल अधिकारी था वो। एंड टूगेदर टू मेन क्लाइंबर्ड ऑकवर्डली, और दोनों एक साथ, टूगेदर मतलब एक साथ, टू मेन क्लाइंबर्ड का अर्थ बड़ी मुश्किल से चढ़ना, ऑकवर्डली मतलब बड़ी अजीब तरीके से उन लोग चढ़े, कहा, into the back seat of the prison van, जो कि जेल का जो गाड़ी था उसकी पिछले सीट पर उन लोग बहुत ही बड़े मुश्किल से अजीब तरीके से उस गाड़ी पर उन लोग चढ़े। See you soon, Evans. So, it was almost as if the governor were saying farewell to an old friend after a cocktail party. तो यहाँ पर जो है गवर्नर बोल रहा है कि मैं बहुत जल्दी मिलेंगे, Evans बोल रहा है, और ऐसा लग रहा था कि it was almost as if The governor was saying farewell. ऐसा लग रहा था कि गवर्नर उसको क्या दे रहा है, विदाई दे रहा है, फेयरवेल दे रहा है, to an old friend, अपने एक पुराने दोस्त को, after a cocktail party, cocktail party क्या है, एक मतलब जो कि जो पार्टी जमाई जाती है जहाँ का मदिरा का पान किया जाता है, शराब इत्यादि लोग पीते हैं, और उसके पश्चात वहां से उठने के बाद मानो अपना पुराना दोस्त को क्या कर रहा है ये गवर्नर, मतलब फेयरवेल दे रहा है, विदाई दे रहा है, ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, बोल रहा था, उसके बातों से ऐसा ही कुछ लग रहा था। सियर यू सर, मतलब खुश रहो सर, बोल रहा है कौन, इवान। I was just wondering, तो बोल रहा है कि मैं जस्ट मतलब मेरे को आश्चर्य हो रहा था, आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग, मेरे को मतलब आश्चर्य हो रहा था। आई नो योर जर्मन प्रीटी गुड, तो बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम आप जो हो जर्मन में बहुत अच्छे हो, बोल रहा है किसको, बोल रहा है गवर्नर को, बोल रहा है कि आप बहुत अच्छे से जर्मन जानते हो। बट डू यू नो एनी मोर ओ दोस मॉडर्न लैंग्वेजेस, तो
पूछ रहा है कि क्या आप जर्मन को छोड़ करके और भी जो आधुनिक भाषा है क्या उनको भी आप जानते हो सर, बोल रहा है कौन, इवांस। नॉट वेरी वेल, वाई, तो बहुत अच्छे से नहीं, क्यों? तो गवर्नर ने उसको जवाब पूछता है कि बहुत अच्छे से तो हमको जो आधुनिक भाषा है वो नहीं आती है, लेकिन क्यों तुम पूछ रहे हो। इवान सेटल्ड हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट। इवान जो है अभी आराम से बैठ गया, जो जेल जेल का जो वैन था, गाड़ी था, उसके पिछले सीट में। एंड ग्रिंड हैप्पीली, और वह खुशी से वो हंसने लगा। नथिंग रियली, बोल रहा है कुछ नहीं, बोल रहा है आई जस्ट हैपेंड टू नोटिस, तो बोल रहा है मैं जस्ट मतलब देखा, बोल रहा है दैट यू हैव गॉट सम ऑल लेवल इटालियन क्लासेस कमिंग अप नेक्स्ट सितंबर, दैट्स ऑल। तो बोल रहा है कि मैं बस, मेरे को इतना मतलब ख्याल था कि नोटिस मतलब मेरे को इतना ध्यान था कि दैट यू हैव गॉट सम ऑल लेवल इटालियन क्लासेस, कि तुम्हारे पास आपके पास ऑल लेवल का क्या है, इटालियन क्लास भी बहुत जल्दी आ रहा है। अभी तो ओ लेवल का क्या था, जर्मन एग्जाम था, लेकिन और भी जो परीक्षा आ रहा है वो क्या का परीक्षा है, ओ लेवल का इटालियन का परीक्षा होने जा रहा है, मतलब कमिंग सून, बहुत जल्दी आ रहा है, नेक्स्ट सितंबर, अगले सितंबर में उसका भी परीक्षा होने वाला है, और इसीलिए मैं पूछ लिया, बोल रहा है दैट्स और मतलब, और इसीलिए मैं पूछ लिया। परहैप्स यू वॉन्ट बी विथ अस नेक्स्ट सितंबर इवांस, तो यहाँ पर बोल रहा है गवर्नर कि शायद तुम अगले सितंबर माह तक हमारे साथ नहीं रहोगे, बोल रहा है कौन, गवर्नर। जेम्स रॉड्रिक इवांस अपीयर टू पॉन्डर द गवर्नर्स वर्ड डीपली, और इस जो पूरा नाम था इवांस का, जेम्स रॉड्रिक इवांस अपीयर टू पॉन्डर, वो उसको अभी मनन चिंतन करने लगता है, ponder मतलब मनन चिंतन करने लगता है, द गवर्नर्स वर्ड्स डीपली, गवर्नर के इन शब्दों को बहुत ही गहराई से। नो परहैप्स आई वोंट, ही सेड, और इसीलिए बोल रहा है कि हाँ तो हो सकता है मैं अगले सितंबर माह तक आपके साथ नहीं होऊंगा, बोल रहा है आई वोंट मतलब मैं नहीं होऊंगा से उस समय तक, ही सेड, उसने कहा। एज द प्रिजन वैन टर्न्ड राइट फ्रॉम शिपिंग नॉर्टन, और जैसे ही जो प्रिजन की जेल की गाड़ी थी वो दाहिने और मुड़ गई, कहां से, शिपिंग नॉर्टन, जो कि लोग शिपिंग नॉर्टन में थे वहां से वो दाहिने और मुड़ गई, ऑन द ऑक्सफोर्ड रोड, इधर ऑक्सफोर्ड के रास्ते पर। द हिदर टू साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, और अब तक, हिदर टू मतलब अब तक, जो कि बहुत ही शांत स्वभाव का लग रहा था जेल अधिकारी, अनलॉक्ड द हैंडकफ्स, वो खोल देता है हैंडकफ, अनलॉक्ड मतलब खोल देता है, द हैंडकफ्स, हैंडकफ्स का अर्थ होता है हथकड़ी को खोल देता है, एंड लीन्ड फॉरवर्ड, और आगे की ओर झुक जाता है, टुवर्ड्स द ड्राइवर, ड्राइवर की तरफ झुक जाता है, फॉर क्राइस्ट सेक गेट अ मूव ऑन, तो बोल रहा है भगवान के लिए जल्दी भागो, get a move on, मतलब जल्दी भागो, it won't take them long to find out, बोल रहा है ये लंबा समय नहीं लगेगा कि उन लोग हम लोगों को ढूंढ पाएंगे, तो भगवान के लिए तुम जल्दी गाड़ी चलाओ, तेजी से चलाओ, क्योंकि लंबा समय लेने वाला नहीं है, क्यों नहीं, वो आसानी से नहीं तो हम लोगों को उन लोग ढूंढ लेंगे, बोल रहा है। Where do you suggest we make for? Ask the driver in a broad Scots accent. तो देखो यहाँ पर जो ड्राइवर है ये वही है जो नकली मैकलरी बन करके गया था, इससे आप पहचान सकते हैं ब्रॉड स्कॉट्स एक्सेंट, क्योंकि जब स्टेफन्स जेल के फाटक के बाहर उसको छोड़ने गया था उस समय भी कुछ बहुत ही उसका जो लहजा था बहुत अधिक स्कॉटिश सुनाई दे रहा था, बोलने का तरीका मतलब स्कॉटिश भाषा का जो लहजा था वैसे ही कुछ सुनाई दे रहा था, और अभी भी मतलब उसी तरह का टोन में बोल रहा है, उसी लहजे में बोल रहा है, मतलब वही अभी क्या बन के आया था, ड्राइवर बन के आया था, और वो बोल रहा है कि तुम्हारा विचार क्या है, पूछ रहा है कि हम लोग किधर जाएं, तुम्हारा विचार क्या है, हम लोग किधर जाएं, किधर भागें। What about Newbury? Suggested Evans. तो बोल रहा है कि Newbury कैसा रहेगा, और इवान ने इस तरह का उसको सलाह देता है। तो देखो अभी आखिरी क्षण तक इन लोग क्या कर दिए, मूर्ख बना दिए किसको, गवर्नर को, क्योंकि जो गाड़ी था और ये जो गाड़ी था उसमें जो अधिकारी थे और जो ड्राइवर था, आप याद कर रहे होंगे कि गवर्नर के अदालत से है ना, जज के अदालत से कौन आया था और उन्होंने मांगा था, क्या मांगा था, फोन में भेजने के लिए बोला था कि एक प्रिजन वैन चाहिए, जेल की गाड़ी चाहिए और दो अधिकारी चाहिए बोला था, तो वो भी क्या था, नकली फोन था, और गवर्नर ने वहां भेज दिया था, तो उन्होंने जो वास्तव में जो हकीकत में जो अधिकारी थे और जो ड्राइवर था उन सभी को उन्होंने बंदी बना लिया, और उसके पश्चात यहाँ जो नकली मैकलरी बनकर के परीक्षा लेने आया था वो उसका ड्राइवर बन गया, और उसका जो अधिकारी थे जेल के अधिकारी उन लोग भी नकली थे, और इसी से यहाँ से उसको छुड़ा करके कहाँ ले गए, आखिरी में भी इवान उसको छुड़ा करके ले गए, और चूंकि वो क्वेश्चन पेपर में न्यूबरी का बात था
और उसने भी क्वेश्चन पेपर जो छोड़ा था इवांस उस कोठरी में, उसमें जिक्र किया गया था कि उन लोग कहाँ भागने वाले हैं, न्यूबेरी में, और इसीलिए वो मजाक कर रहा है कि न्यूबेरी जाना कैसा रहेगा, है ना, न्यूबेरी जाना कैसा रहेगा। तो हम देखते हैं कितना, मतलब ये जो बहुत वेल प्लान एक क्राइम वाला सीन था, मतलब समझने में थोड़ा सा दिक्कत लगता है, लेकिन आप अगर, मैं जो भी एक्सप्लेन किया हूँ, जो भी आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश किया और एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बहुत अच्छे तरीके से मैं किया, लेकिन अगर आप शुरुआत से फर्स्ट फर्स्ट पार्ट से लेकर के फोर्थ पार्ट तक एक एक करके आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, केवल एक भाग को पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम देखते हैं मतलब कितना आखिरी में भी वो गवर्नर को बुद्धू बना के इवेंट्स जो हो भागने में सफल हो गया। तो यहाँ ये पार्ट जो लंबा पार्ट था, सार भाग में ये खत्म हो गया है। तो मेरा वीडियो आप जरूर, फर्स्ट पार्ट से लेकर के सार भाग तक ये वीडियो बना है, इस वीडियो को आप जरूर देखिए, और अगर आपको समझ में आया होगा मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो उसके नीचे आप जरूर कमेंट में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको हमेशा जब कभी नया वीडियो अपलोड होगा आपको इस वीडियो मिलता रहेगा। तो हम यहाँ पर आज इस वीडियो को हम अंत करते हैं। थैंक यू।